स्वागत है आपका जीबिंस के बंधन म्यूचुअल फंड स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, मिड वीक सेशन है, थोड़ी वॉलिटिलिटी बाजार में आपको दिखी है, बट बैंक निफ्टी पूरी रिकवरी के साथ अब आपको 100 पॉइंट ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। निफ्टी भी अब रिकवरी के मूड में आ रहा है, बैंक लेड रिकवरी आ रही है, प्राइवेट बैंक्स में स्पेशली आपको इस समय अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है, तो थोड़ी रिकवरी के मूड में बाजार आपको दिख रहा है। अमेरिकी फ्यूचर्स स्टेबल हैं, कुछ ज्यादा बड़ा एक्शन यहां पर नहीं बना हुआ है। दो दिन से हम देख रहे हैं थोड़े कंसोलिडेशन के क्यूज से, क्या अब वीकली एक्सपायरी से पहले बैंक निफ्टी और उसके साथ ही बाकी बाजार अपना मूड माहौल बदल सकते हैं, ये इंटरेस्टिंग रहने वाला है। बात करते करते बैंक निफ्टी में आपको एक शार्प अप मूव अभी बनते हुए दिख रहा है, तो इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा। बाजार पर भी पूरी हमारी नजर है, आइए अनिल जी से भी समझते हैं इस समय का एक्शन, और पहले तो बड़ी बातें जान लेते हैं। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। बढ़िया रिकवरी अभी पिछले 5 मिनट में शुरू हुई है। आएगी आएगी जी, बिल्कुल आएगी और आनी भी चाहिए, और क्यों आनी चाहिए उसका भी रीजन साफ है। सुबह से बैंक निफ्टी ओवर सोल्डर, आज भी हम ये बात करते निचले सौ से एक तो 46,147-47,100 वो रेंज है जो आपके लिए मजबूत सपोर्ट है, और वहाँ आए तो एक बार तो मेरे नाम से ले ही लेना नुकसान हो जाए तो बाद में देखेंगे, लेकिन मेरे नाम से एक बार तो उस रेंज में खरीद ही लेना, वो रेंज में आपको मौका दिया भी है। सो आई थिंक 47,500 तो गिवन है, वहाँ तक तो जाना ही है। उसके बाद वहाँ जो एफएनओ की पोजीशंस बनी हुई है उसको थोड़ा सा हम विस्तार से देखेंगे कि क्या वो पार कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो चीज़ तो क्लियर दिख रही है। सो रेंज इमिडिएटली आपके नीचे 47,000, ऊपर 47,500 तो क्लियर कट है बैंक निफ्टी के लिहाज से, और उस तरफ आप बढ़ रहे हैं। 47,500 को पार करने में पसीना आएगा, जोर आएगा, किया तो फिर शॉर्ट कवरिंग एग्रेसिव होगी। अभी जो शॉर्ट कवरिंग है वो सिर्फ पोजीशन के लिहाज से है, क्योंकि आप वीकली एक्सपायरी के दिन ओवरसोल्ड होकर बैठे हैं। आपका पर्सनल पोर्टफोलियो जब बाजार बंद हुआ 0.57 था बैंक निफ्टी का, कल 0.55 हुआ, कल एक शार्प आपको शॉर्ट कवरिंग मिली थी आखिरी एक घंटा छोड़ बिल्कुल, तो आज तो मिलनी मिली थी। अब बात दीप क्या होता है इस तरह की चीजों में, आप ये 100% ये बोल सकते कि शॉर्ट कवरिंग सुबह 9:30 आएगी या दोपहर में 3 बजे आएगी? करेक्ट, वो उसकी जब मर्जी आएगी। कल पहले हाफ में आ गई, आज सेकंड हाफ में आ रही, यही मार्केट है। अगर इतने ही पता चल जाए कि इतनी बजे से इतनी बजे तक तेजी, इतनी बजे से इतनी बजे तक मंदी, ओहो फिर तो मजा आ जाए ना। फिर तो मुझे लगता है मतलब किसी को कुछ और काम करने की जरूरत ही क्या है दुनिया में, यही सबसे बेस्ट है, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। सो आई थिंक वी आर ओके बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन, बढ़िया ही ट्रेड है। निफ्टी भी आपको गिरने से मना कर रहा है, 21,450-21,500 की रेंज में अच्छा सपोर्ट ले लिया, एक बार जो स्टॉप लॉस ट्रिगर करवा दिया, उसके बाद 21,500 के नीचे जाने से बार बार मना कर रहा है, वहाँ पे आते खरीदारी आ जाती है। ऊपर में 21,600 पार करने की भी कोई हड़बड़ी जल्दबाजी नहीं है। सो अपने लेवल्स के हिसाब से चलते हैं, अब 2:30 बजे तक 21,600 ऊपर देखिए, नीचे में 21,450, बैंक निफ्टी में 2:30 बजे तक 47,150 आपका मजबूत सपोर्ट है, और ऊपर में 47,500-47,650 ये 150 पॉइंट की रेंज रुकावट है, 47,150-250 सपोर्ट जोन है। बस इन लेवल्स के हिसाब से चलते हैं, इन लेवल पे जहां पहुंचेंगे वहां पर फिर हम रिव्यू करेंगे कि अब करना क्या है। डाउ फ्यूचर्स हल्का सा लाल निशान में है, मिड कैप स्मॉल कैप शेयर थोड़े से कमजोर है, कोई खास नहीं, अब भी बढ़ने और घटने वाले शेयरों की संख्या में ज्यादा फर्क नहीं है, आज कमजोर शेयर थोड़े से ज्यादा हल्के से, नॉट मच। 2000 शेयर आपके मजबूत है बीएसई पर, और 2000 कमजोर, मामला 50-50 का है, देख लीजिए आप 1995 और 2004, ये कोई विधानसभा चुनाव के नतीजे तो है नहीं, 4 सीटें सरकार इसकी बनी है, ये बराबर माना जाएगा, बराबर माना जाएगा, ठीक है ना। हाँ नहीं ना, किसी कोई ऑब्जेक्शन भी ले सकता है, यार ये तो ज़्यादा है, नहीं ऐसा मत करो, ठीक है ना। NSE पर 1,035 मजबूत है, 1,260 कमजोर, ये आपकी। गॉट इट। चलिए ये बाजार का पूरा एक्शन, इस समय एक्शन में आ रहा है बाजार, अभी 47,400 का लेवल भी बैंक निफ्टी ने जो छुआ था, शार्प रिकवरी स्क्रीन पर आपके बनते हुए भी दिखी थी। आइए बात करते हैं कुछ खबरों की और कुछ इवेंट्स की जहां से बाजार में आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है। कुशल अरमान दोनों हैं तैयार। कुशल गुड आफ्टरनून, बताएं इवेंट्स कौन से इंपॉर्टेंट है? गुड आफ्टरनून दीपा। इंपॉर्टेंट इवेंट्स के लिहाज से ऑफकोर्स स्पाइसजेट आज फोकस में रहने वाला है, 39th AGM इनकी होगी दोपहर 3:30 बजे से, और यहाँ पर जो फंड रेजिंग की बात चल रही थी 2,500 करोड़ रुपए की, उसके लिए भी अप्रूवल लिया जाएगा। साथ ही कल के दिन में नंबर्स के लिहाज से ऑफकोर्स IT कंपनियाँ, दो दिग्गज इन्फोसिस और TCS अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगे, पोस्ट मार्केट इनके नंबर्स आएंगे, साथ ही HDFC AMC की भी एफएनओ स्पेस से आपको नंबर्स आते हुए दिखेंगे। कैपेसाइट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, यहां पर QIP के इशू प्राइस पर विचार किया जाएगा, साथ ही ज्योति CNC ऑटोमेशन जो 9 तारीख को खुला था, ये IPO 11 तारीख यानी कि कल बंद हो जाएगा। भारत बनाम अफगानिस्तान का पहला T20 भी कल खेला जाएगा, और साथ ही दिसंबर महीने का US का जो CPI आंकड़ा है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जहां तक 12 जनवरी का सवाल है, निफ्टी से अगेन दो दिग्गज IT
आईटी कंपनियां एचसीएल टेक और विप्रो तो अपने नंबर्स घोषित करेगी ही, साथ ही निफ्टी से ही एचडीएफसी लाइफ पर भी फोकस करना है, उनके भी नंबर्स आएंगे। हमारे यहाँ का जो दिसंबर महीने का सीपीआई आंकड़ा है उस पर भी फोकस रहेगा, और नवंबर महीने का आपको इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा भी हमारा आता हुआ दिखेगा। पौंडी ऑक्साइड्स है, यहाँ पर फंड जुटाने पर कंपनी बोर्ड बैठक करेगी, और सेनको गोल्ड की भी प्री आईपीओ इन्वेस्टर लॉक इन ये भी खुल जाएगा 12 तारीख को। एक्स डेट है न्यूजन सॉफ्टवेयर के बोनस इशू की, साथ ही मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक ये भी इनॉग्रेट किया जाएगा 12 तारीख को। ग्लोबल इवेंट के लिहाज से दिसंबर महीने का चीन का जो सीपीआई आंकड़ा है वो इंपॉर्टेंट होगा, और यूके के लिहाज से नवंबर का जीडीपी और साथ ही इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा भी आपके सामने आएंगे। यूएस के भी पीपीआई जो आंकड़ा है, जो नंबर है दिसंबर महीने का, वो भी आपको दिखेगा। तो काफ़ी सारे लोकल और ग्लोबल ट्रिगर्स अगले तीन दिनों में आने वाले हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स आने वाले हैं जिस पर बाजार की नज़र है, डेटा डिपेंडेंट काफ़ी रह सकता है बाजार का एक्शन। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताएं आज की खबरें कौन सी हैं? जी गुड आफ्टरनून, खबरों में सबसे पहले पूर्वांकरा, यहाँ पर अगर आप देखें Q3 में कलेक्शन 52% बढ़कर आता हुआ दिखा है। सेल्स की बात करें वहाँ पर 56% के आसपास की बढ़ोतरी दिख रही है। मास फिनेंशियल, यहाँ पर ₹3 प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान किया है, और 31 दिसंबर तक कंजो AUM की बात करें 27% बढ़कर आई है। निकाई के हवाले से खबर आती हुई दिखी, जी एंटरटेनमेंट के साथ मर्जर पर बातचीत जारी है, ये सोनी ग्रुप का बयान आता हुआ दिखा है। 20 जनवरी तक मर्जर पर बातचीत जारी रहेगी। मनापुरम फिनेंस, यहाँ पर आशीर्वाद माइक्रोफाइनेंस के आईपीओ पर फिलहाल रोक लगी है, सेबी ने आईपीओ पर फिलहाल रोक लगाई है। लुपिन, अमेरिका में एक दवा इन्होंने लॉन्च की है, USFDA से इनको मंजूरी मिलती हुई दिखी है, और अगर आप बात करें मार्केट तो लगभग $41 करोड़ लगभग आपको, अच्छा काफ़ी बड़ा मार्केट US में इसका है। टानला, इन्होंने वाइसली ATP के लिए एक बैंक के साथ करार किया है, वाइसली ATP एक सीपास है। अडानी इंटरप्राइजेस, कोजेंसीज के हवाले से खबर आती हुई दिखी, नवी मुंबई एयरपोर्ट के दिसंबर तक शुरू होने की उम्मीद है, और एयरपोर्ट विस्तार का काम सही तरीके से जारी है। NBCC लगातार ऑर्डर विन है, कंपनी को एक 218 करोड़ का ऑर्डर मिला है, साथ ही साथ एक 134 करोड़ का ऑर्डर भी मिलता हुआ दिखा है। शक्ति पंप्स की बात करें, वहाँ पर कंपनी को सरकार से एक 10वां पेटेंट मिला है। ओरियन प्रो सॉल्यूशन, 650 करोड़ तक फंड जुटाने के लिए बोर्ड की मंजूरी आती हुई दिखी है। रामकृष्ण फोर्जिंग्स, मैकेंसी के साथ इन्होंने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का ऐलान किया है, वो कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए ये ऐलान करते हुए दिखे हैं। और ब्लॉक डील में BEL 10.5 लाख शेयर्स और NHPC लगभग 59 लाख शेयर्स के कई सौदे होते हैं। बिल्कुल, तो ये हैं ढेर सारे एक्शन वाले शेयर, और आप टांडला की बात कर रहे थे तो आज स्टॉक जबरदस्त एक्शन में 9% ऊपर। यस, गजब का बढ़िया खबर। और हमें अरमान ही डेटा बता रहे हैं कि अरमान कह रहे हैं 9 नवंबर को दिवाली पिक थी हमारी, दिवाली पिक थी, बिल्कुल दिवाली पिक पर 950 से ये 25% ऊपर, वाओ आज सेंचुरी मारी है इसने, क्या बात, बहुत बढ़िया मूव है। बिल्कुल, तो पिछले कुछ समय से लगातार बार बार मजबूत होता हुआ ये हफ्ता टांडला प्लेटफॉर्म के लिए बहुत जबरदस्त रहा है। 1250 का पहला टारगेट है, 1200 का आज हाई बन गया है। 1250 और नहीं, टारगेट तो डबल के तो होने चाहिए दीप, 1500 तक के आपके, 1500 तक के हैं, 1500 के हैं, रिवाइज कर लेंगे हम, जल्दी पहुंच जाएगा तो रिवाइज कर लेंगे। अभी तो पहला तो आने की तैयारी में है। आजकल तो खैर क्या है, टारगेट जरूर से ज़्यादा थोड़े फटाफट आ जाते हैं, इसलिए इस बुलरन में मैंने एक चीज़ सीखी है अप्रैल के बाद से, कि स्टॉक्स में सिर्फ और सिर्फ प्राइस टारगेट सफिशिएंट नहीं होते हैं, ऐसा बड़ा टाइम टारगेट, टाइम टारगेट आता है, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। नहीं तो अगर सिर्फ टाइम टारगेट होते तो कितने स्टॉक बिक जाते हैं, 20-30% में बिक जाते हैं, 200-300% बढ़ गए हो जी। तो इसलिए इस बार टाइम टारगेट वाला फॉर्मूला हमारा बड़ा काम आया, पकड़ के रखो, 1 साल 2 साल 3 साल ऐसा रखेंगे ना तो मजा आएगा। 1 साल 2 साल 3 साल से याद आया जी, सुमित जी, वागले साहब, हिमांशु जी, 1 2 3 सब तैयार है, सब तैयार है, और पूरी कतार है। शो की शुरुआत में आप कोई पूछे ना पूछे, आशीष जी तो हमेशा तैयार है, हमेशा, तो बिगुल हमारे सबके लिए तैयार है। पहला सुमित के सुपरहिट, एक मिनट जी बिगुल के पहले एक बार सुना, बिगुल हमें मतलब ऐसा सिर्फ दक्षिण भारत की फिल्मों में ही हो सकता है कि रजनीकांत चला दे गोली और हवा में रुक जाए, जाए।, जाए। ये काम हमारे अजय गोंजालिस ने किया है, बहुत बढ़िया करा बिल्कुल निकाल के वापस लेके आया, अमेजिंग, बहुत बढ़िया। तभी मतलब अब ये है ना मेरे साथ काम करने लायक हो गए एकदम जी कुणाल जी, आपने जो सही वक्त पर एकदम ऑब्जेक्शन लिया, बताएं सर हमें रोकने की कोई खास वजह? अनिल जी, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि संशोधन कर रहा था, अनिल जी, जी आपने कहा कि वागले साहब तैयार है, हिमांशु जी तैयार है, सुमित जी तैयार है, तो अनिल जी मैं भी तैयार हूँ, मुझे भी तैयार ही मानिए, मेकअप करवा के आए वो नहीं, बैठा वो मेकअप करवा के आए वो तैयार नहीं,
बिगुल के लिए तैयार, बिगुल के साथ तैयार है। हाँ, आप एक्सटर्नल ब्यूटी की बात कर रहे हैं, वो इंटरनल ब्यूटी की बात कर रहे हैं। आइए सुमित जी के लिए अब नहीं रुकने वाला सुमित के सुपरहिट बिगुल। जी सुमित जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी, बाइका स्टॉक अभी रडार पे आया है, स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 192.40 रुपए, 192.50 रुपए, 192.40, 192.50 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है RVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड। RVNL में ब्रेकआउट है, स्टॉक यहां से बहुत बढ़िया मूव दिखाने को तैयार है। वैसे भी स्टॉक और पूरे सेक्टर के अंदर तेजी बनी हुई है। RVNL 200 का लेवल क्रॉस करने को तैयार है, रिसेंट के स्विंग हाई के ऊपर आ चुका है। आज स्टॉक के अंदर और सेक्टर के अंदर अच्छा मोमेंटम है, खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट के ऊपर सपोर्ट है 187-188 के पास है, 187 के स्टॉप लॉस से RVNL में खरीदारी करें। ऊपर में पहला टारगेट 198 रुपए का, दूसरा टारगेट 201 रुपए का, दोनों शॉर्ट टर्म के टारगेट है, पोजिशनल टारगेट और ऊपर के देखने को मिलेंगे। तो खरीदारी करें RVNL 198 से 201 के टारगेट्स के लिए। RVNL ये है स्टॉक खरीदारी करने की राय। बिल्कुल वागले साहब के लिए वागले का वंडर। वागले साहब बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, टाटा मोटर्स में बाय करके चलना है। कल एक उसने एक हाई बनाया लेकिन सस्टेन नहीं हुआ, आज वापस वो कोशिश हो रही है। मुझे लगता है आज ये मूव सक्सेसफुल होनी चाहिए। 808, 808.5 का भाव है। मुझे लगता है 804, सिर्फ 4 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस होगा। 810 के ऊपर एग्रेसिवली लेना है। 825 से 830 का मेरा टारगेट होगा, टाइम फ्रेम आज और कल। आज और कल में 825-30 के टारगेट खरीदें टाटा मोटर्स। हिमांशु जी को क्या पसंद है आइए जानते हैं। हिटमैन हिमांशु। जी हिमांशु जी। अनिल जी, हमें तो आप पसंद है, गुड आफ्टरनून। क्या बात है, हमारा वाकई ने कवर कर दिया। तो अब हम थोड़ी देर दूसरा सब ढूंढेंगे। अरे वाह क्या बात है। वागले साहब हमेशा आप ऐसे ही करते रहे, जब भी हिमांशु जी का बिगुल का मन हो आपका उनका साथ में आएगा। मैं आपको पहले ही बोलूंगा आप कवर कर लीजिए और ईश्वर से मैं प्रार्थना करूंगा उनका वही निकले स्टॉक जो आपने कवर किया है। उससे फायदा ये होगा कि आजकल जो ये छोटे मोटे स्टॉक जो हिमांशु जी पसंद करते हैं ना, उसके बजाय सिर्फ मुझे पसंद करेंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा आइए बिगुल सचिन जी के लिए। सचिन जी बताएं सर। अनिल जी, कोइंसिडेंस वही स्टॉक था बट आप भी मुझे ही पसंद कर लीजिए फिर और क्या। इजी ऑप्शन दे रहा हूँ, बाकी आपको कोई स्टॉक बता रहे तो बता दीजिए सर। जी यहाँ पर L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज भी मेरे रडार पे, इनफैक्ट डिस्क्लोजर वहाँ पे हमने हमारे क्लाइंट्स को भी यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाने की रिकमेंडेशन दी है। जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, अगर हम पिछले 3 हफ्तों से डेटा देखें तो लगातार यहाँ पर 5300 के आसपास थोड़ा सा एग्जॉशन नजर आ रहा था। वो एग्जॉशन कल के सत्र में उसने काफी कॉन्फिडेंटली ब्रेक किया था एंड वहां से एक फॉलो थ्रू एक्शन आ रही है। तो मुझे लग रहा है काफी बड़े पोजिशनल टारगेट के लिए यहाँ पर स्टॉक रेडी हो चुका है। 5550 का पोजिशनल टारगेट होगा, इंटरमीडिएट टारगेट होगा अराउंड 5460 का। खरीदारी करनी है L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज के फ्यूचर्स में, बट स्टॉप लॉस आप यहाँ से लगभग अराउंड 5285 पे लगाएं। 285 के स्टॉप लॉस से LTTS खरीदें बिगुल चार्ट कॉर्नर का। जैसा कि कुणाल जी ने आपको कहा था वो भी तैयार हो क्या है, मैंने उसका जिक्र नहीं किया था। मैंने कहा भाई आपकी तो एक्सटर्नल ब्यूटी है जी, बाकी सबकी इंटरनल ब्यूटी है। अब वाकई में बाहर से तैयार हो क्या, मैंने कहा बिगुल बजा के चेक कर लो। अब धन संकट में गुनाह। अब बताएं गुनाह जी क्या करेंगे। अनिल जी खरीदारी करेंगे, खरीदना है पेट्रोनेट LNG, एलएनजी पेट्रोनेट LNG पर खरीदारी की राय है पहले से। देखो ये नहीं, ये स्टॉक तो अचानक से आपके सामने आया, आपने बोला पहले से तैयारी तो नहीं थी। अनिल जी बिल्कुल पहले से तैयारी थी, अनिल जी इसको मैं देख रहा था। हाँ। लेकिन अब जब आप आ ही गए हैं तो अनिल जी वैसे तो अनिल जी आप मुझे पसंद हैं, ये मत सोचे कि आप पसंद नहीं हैं, आप ही पसंद हैं, लेकिन अनिल जी ये शेयर भी पसंद है। ओके बताए सर पेट्रोनेट LNG।
तो अनिल जी, पेट्रोनेट एलएनजी बाय करने की राय है, यहाँ पर 234 रुपए के ऊपर एक ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आया, मेरी राय में एक स्टॉप लॉस रखें 232 रुपए 50 पैसे, 232.5 पर एक स्टॉप लॉस रखकर पेट्रोनेट एलएनजी में खरीदारी करें। बुलिश सॉसर पैटर्न इसके इंट्राडे 60 मिनट चार्ट पर बनाए, ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, सारे एवरेजेस के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है और काफी समय बाद आउट परफॉर्मेंस भी निफ्टी के बनिस्पत दिख रही है, तो बाय करके चले। स्टॉप लॉस 232 रुपए 50 पैसे पर रखना है। पहला टारगेट स्टॉक के लिए होगा 242 रुपए का, 242 का, इवेंचुअल टारगेट 245 का, तो 242-245 के टारगेट के लिए पेट्रोनेट में खरीदारी करें। ओके, तो ये है आपके लिए पेट्रोनेट एलएनजी पर खरीदारी की राय। निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका। नितिन जी फरमाइए। अनिल जी, 21,550 की कॉल ऑप्शन लेंगे, 21,550 की कॉल ऑप्शन 63 में मिल रही है, अभी 63-62 ऐसे रेट है, अभी ले सकते हैं इसको, और इसका आज का डे लो है 39, तो आप स्टॉप लॉस रखिए 38 का, और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बाउंस मिलना चाहिए, क्योंकि 21,500 का सपोर्ट लेवल है जहाँ पे पुट राइटिंग काफी है, मार्केट ने पूरे टाइम कोशिश करी उसको ब्रेक करने की, बट अब देख रहे हैं कि उसके ऊपर निकल रही है, तो ये जो आप 63 में ले रहे हैं 21,550 की कॉल ऑप्शन, इसका फर्स्ट टारगेट हम रखेंगे करीब 85 का, अभी 66 हो गई है, 85 का फर्स्ट टारगेट होगा, और उसके ऊपर निकलती है तो 100 रुपए के टारगेट होंगे, तो 21,550 की कॉल ऑप्शन लेने की सलाह है। ओके, और बैंक निफ्टी पर कोई ट्रेड सर? जी आज निफ्टी पे ले रहा हूँ, एक ही ट्रेड है। परफेक्ट, तो बैंक निफ्टी पर आप 21,550 का एट द मनी समझ लीजिए, कॉल ऑप्शन खरीदिए 38 के स्टॉप लॉस के साथ, टारगेट 85 और 100 रुपए के। आइए आशु सर के लिए बिगुल, स्विंग के सुल्तान आशु मैदान। बताएं आशु सर। अनिल जी, पहले तो अपडेट्स बैंक निफ्टी का 1:1 स्प्रेड, जो उस दिन आपने स्पेशली पूछा था 1:1, क्योंकि गैप कम था, वो बहुत अच्छा रहा। अनिल जी, 21,700-21,500 वाला जो निफ्टी का वीकली बेयर स्प्रेड था, जो 20 रुपए की कॉस्ट में था अनिल जी, अभी 80 रुपए है, 4 गुना पैसा हो गया। अनिल जी, जो मंथली स्प्रेड था 21,500-21,045 रुपए पे, वो 75-80 रुपए चल रहा है, वो भी मुझे लगता है डबल पे आराम से बिकेगा। तो अनिल जी, जो करेक्शन व्यू था वो बिल्कुल अच्छा बैठा, और जितने भी स्प्रेड्स दिए थे अनिल जी, सारे प्रॉफिटेबल रहे, कोई नया स्टॉक नहीं है अनिल जी, प्रॉफिट बुकिंग मतलब दिख रही है अभी भी। जो आज ये जो 21,500 है अनिल जी, देखिए वो 21,700-21,500 इसलिए स्प्रेड बनाया था कि पीक प्रॉफिट हमारा 21,500 में आता है, कल भी आ सकता है, लेकिन 21,500 दो तीन बार अभी जैसे नितिन ने भी मेंशन किया होल्ड कर रहा है, बट अनिल जी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है तो लेने में। अनिल जी, अब नया स्टॉक एक स्ट्रैटेजी है और वो है टाटा पावर। टाटा पावर 340 की कॉल लेनी है एक, और 360 की एक कॉल बेचनी है। तो अनिल जी, ये स्टॉक पिछले दिनों में इतनी जो ये मारामारी रही, आप देखिए सारे अच्छे स्टॉक्स थे अनिल जी, जितने हमने आइडेंटिफाई किए, जिनको जो हम बार बार बोलते थे सीमेंट मेटल पावर कहीं ना कहीं थमे, कुछ में करेक्शन भी आई, टाटा पावर में भी करेक्शन आई पिछले महीने की एक्सपायरी में आ गई थी, बट अब इस डाउन टर्न से ये स्टॉक अलग से ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो अनिल जी, जाना तो इसने 400 से ऊपर है, अभी जनवरी में डिप आता या फरवरी में आता, बट वो डिप अनिल जी बीच में आया, और अभी भी जनवरी अनिल जी बहुत वॉलेटाइल मंथ रहेगा, कोई कंफर्ट नहीं ड्रॉ कर लेना कि अगर 21,500 रुक गया तो 21,500 रुका ही रहेगा, मतलब टूट भी सकता है। तो टाटा पावर की स्ट्रेटेजी अनिल जी, 340 की एक कॉल लेनी है, 360 की एक बेचनी है, 1:1 इसका 7-8 रुपए का कॉस्ट आएगा, 345 फ्यूचर ही चल रहा है, तो वर्चुअली रिप्लेसिंग फ्यूचर बाय पेइंग 3 रुपीज प्रीमियम। और अनिल जी, टाटा पावर मुझे लगता है कि टूवर्ड्स 375-400 जाएगा। डिलीवरी वालों के लिए सलाह है कि वो रोक के रखें, अपने पास बने रहे, और अगर किसी ने ट्रेडिंग करनी है कि अब अनिल जी इस उथल पुथल में आप देखिए, अगर हम बात करते हैं लोगों से और काफी समय से इस अजीब से लोगों के लॉसेस हो रहे हैं इस वॉलेटिलिटी में, तो प्रिसाइसली यही व्यू कंटिन्यू रहेगा जनवरी में कि बहुत ही वॉलेटाइल मंथ रहेगा, हाथ में आना ट्रेड बहुत मुश्किल है, ऑप्शन के साथ करते रहेंगे तो बचे रहेंगे, अदरवाइज ये वॉलेटिलिटी मार देगी। ओके, तो ये आपकी टाटा पावर पर सलाह है 340 का कॉल ऑप्शन खरीद के 360 का बेचने के लिए। आपको भी एक सलाह है आशु जी, और वो सलाह कुणाल जी की तरफ से। जी कुणाल जी, डायरेक्टली दे दीजिए।
अनिल जी देखिए, वैसे तो आशु जी अनिल जी लिमिटेड इंटरवेंशन हमेशा चाहते हैं। हाँ, नो इंटरवेंशन, फुल ना, 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 करके इंटरवेंशन है। नो इंटरवेंशन, लिमिटेड नहीं, नो इंटरवेंशन, अनरिस्ट्रिक्टेड। हाँ, एग्जैक्टली। फिर भी आपको छूट है बिना किसी सीमा के अनिल जी इंटरवीन। तो अनिल जी इंटरवीन करने से मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। जी मैं भी उनके साथ सहमत हूँ। टाटा पावर में अनिल जी एक आउट परफॉर्मेंस दिख रही है, एक ब्रेकआउट भी चार्ट पर आया है। तो आशु जी का नाम लेते हुए अनिल जी मेरी भी इसमें साथ में जोड़ लीजिए, मेरा पूरा इंटरवेंशन है कि इसमें एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है 340 के ऊपर। अगर ये टिका रहा तो अनिल जी इसमें एक आपको जबरदस्त अपमूव देखने को मिलेगा, और मुझे लगता है ये स्टॉक 360 रुपए के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो 340 का जो मेजर लेवल है उसके ऊपर टिका रहता है तो उसमें तेजी कायम रहेगी, चार्ट पर पैटर्न अच्छा है। ओके, ये है आपके लिए टाटा पावर खरीदारी करने की राय आपके लिए आशु जी की तरफ से, और उसी पर मुहर लगाते हुए आपके लिए कुणाल जी भी। बिल्कुल, तो टाटा पावर इस पर आपको बढ़िया एक्शन बनते हुए दिख रहा है, नजर रखिएगा इस काउंटर पर। कुछ और स्टॉक्स भी हैं जहां पर मूव आती हुई दिख रही है। सेल में निचले स्तरों से इस समय एक अच्छी मूव आती हुई दिखी है, सेल पर भी रखिए नजर। अभी अभी थोड़ा और एक्शन के लिए तैयार हो रहा है, पिछले 5 मिनट में काफी एक्टिव हुआ है ये काउंटर। और वोल्टास यहां पर भी आपको एक अच्छी मूव इस समय आती हुई दिख रही है। इनफैक्ट सुबह भी हमारे रेडार पर था वोल्टास, और वहां पर अच्छा एक्शन बना भी था। अब आप देखिए वोल्टास में एक मूव भी आ रही है। वागले साहब ने इनफैक्ट सुबह इस काउंटर पर अपनी रिकमेंडेशन भी दी थी। वागले साहब, सुबह के कॉल वोल्टास अब वापस थोड़ा एक्शन बनते हुए दिख रहा है, जरा देखें इसको सर। एक्चुअली मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, ऊपर से सस्टेन नहीं हुआ, नीचे आया है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा इसका पैटर्न अच्छा है। जब भी मार्केट में बाउंस आएगा, जब भी वोल्टास 1020 के ऊपर सस्टेन करेगा, मुझे लगता है 1050-60 तक जा सकता है। पैटर्न बहुत अच्छा है, और ऑन द डाउन साइड 997 आज का जो लो है वो स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर कोई पोजिशनल व्यू लेना चाहता है तो। ये है आपके लिए वोल्टास पर आए वागले साहब की तरफ से। आज वागले साहब ने लाइफ में दूसरी बार मुझे चौंकाया है। कैसे? पहली बार कब चौंकाया था, किसी को याद है? जी जी सुमित जी बताइए। मैं जाना चाहूंगा अपोलो हॉस्पिटल। मैं जाऊंगा, नहीं जाना चाहूंगा नहीं, मैं जाऊंगा अपोलो हॉस्पिटल। अभी 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 क्या बोला वोल्टास के लिए? वोल्टास के लिए आज मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। मतलब आज मेरा मुझे लगा टारगेट हिट हो रहा है। और एक बार मैं वापस से वो रिकॉर्डिंग निकलवाता हूँ थोड़ी सी देर में, फिर आपको पता चलेगा कि वागले साहब कैसे चौंकाते हैं हमारे को। तो वागले साहब 2 मिनट रुकेगा, आपकी वो वाली पूरी थोड़ी सी बाइट रिवाइंड करके मैं मंगा रहा हूँ, तब तक इंतजार कीजिए। तब तक एक बिगुल हिमांशु जी के लिए। हिमांशु जी बताएं सर। अनिल जी, रेलवे स्टॉक्स में पिछले 1 से 2 दिनों से एक अच्छा मोमेंटम बन रहा है। IRCTC में मुझे लगता है एक फ्रेश ब्रेकआउट है, और ये स्टॉक अनिल जी पहले भी हम रिकमेंड करते आए हैं, और आज के सेशन में इसमें एक फ्रेश स्ट्रेंथ बनती हुई नजर आ रही है। जैसा अभी आशु जी ने जिक्र किया था कि टाटा पावर पिछले 2-3 दिनों से स्ट्रेंथ दिखा रहा है, वैसे ही बाजार की वीकनेस के बावजूद IRCTC पिछले 3 दिनों से रोज एक हायर हाई बनाता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है अनिल जी IRCTC में एक नेक्स्ट अप मूव यहां से देखने को मिल सकता है। करंट लेवल्स लगभग 936-937 के आसपास के थे फ्यूचर्स से, अभी 940-41 हो चुका है। इस लेवल पे खरीदारी करें, कोई छोटा मोटा अगर डिप मिलता है 935 रुपए तक, 934 रुपए तक पोजीशन को ऐड करें। मेरा मानना है अनिल जी यहाँ पर कल तक 952-955 रुपए तक पहला टारगेट आता हुआ नजर आ सकता है, और अगर ये स्ट्रेंथ इसमें कंटिन्यू रही अनिल जी और ये स्टॉप लॉस 930 के वापस नीचे नहीं जाता क्योंकि 930 एक ब्रेकआउट लेवल था, तो ये स्टॉक 1000 रुपए के पार चलने के लिए तैयार है। तो IRCTC में खरीदारी करके चलने की रिकमेंडेशन। ओके, तो 4 डिजिट में जाने की तैयारी कर रहा है IRCTC, इस पर रखिए नजर। हिमांशु जी स्टॉप लॉस क्या लगाना है सर? जी दीप, देखिए 938-935 की रेंज में खरीदारी करके चलेंगे। ट्रेडिंग के लिहाज से यहाँ पर 926 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है, और खरीद लॉन्ग पोजीशन बनाकर चलने की सलाह। ओके, तो ये है आपके लिए IRCTC जहां पर आप खरीद सकते हैं खरीदारी, 4 डिजिट में जाने की तैयारी ये काउंटर दिखा रहा है। सचिन जी के लिए एक बिगुल BTSWT का। बताएं सचिन जी। दीपांशु, यहाँ पर LIC हाउसिंग फाइनेंस में एक अच्छा यूटर्न लिया है, मुझे लग रहा है पिछले 3 दिनों से जो एक ग्रेजुअल डिक्लाइन हो रही थी वो काफी अच्छी तरह अरेस्ट हुई है 560 के सपोर्ट के आसपास। आज के सत्र में भी इंट्राडे डिप्स उसके नीचे नहीं आए थे, बट वहां से जिस तरीके से रिकवरी हो रही है मुझे लग रहा है जल्दी इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक अच्छी मूव ब्रेकआउट के बाद दिखनी चाहिए। लगभग
595 के टारगेट के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी। एक अच्छा डिक्लाइन ऑलरेडी हो चुका है काउंटर में, तो स्टॉप लॉस काफी छोटा होगा अराउंड 558 का। तो खरीदारी करनी है LIC हाउसिंग फाइनेंस में फ्यूचर्स में 595 के टारगेट के लिए। ओके, तो LIC हाउसिंग इस पर करें खरीदारी, टाइट स्टॉप लॉस है सिर्फ 558 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी कर सकते हैं, 595 के लेवल्स आपको आते हुए दिखेंगे। तो कुछ स्टॉक्स में बढ़िया रिवर्सल के संकेत अब आ रहे हैं, थोड़ा बाजार वॉलिटिलिटी के बाद अब एक्शन में आने की तैयारी कर रहा है। एस्कॉर्ट्स में भी निचले सरों से आपको एक अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है, इसको भी अपने रेडार पर रखें। थोड़ी मूव यहाँ पर भी आ रही है, ये काउंटर भी रिसेंटली हमने एक्शन देखा है ऑटोज में दोनों तरफ का, अब एस्कॉर्ट्स भी थोड़ा एक्शन के लिए तैयार हो रहा है। कुछ और ब्रॉडर मार्केट स्टॉक्स पर भी नजर डालिए जहां पर अच्छी मूव आपको इस समय बनती हुई दिख रही है। एजिस लॉजिस्टिक्स, ये दो तीन दिनों से काफ़ी एक्टिव हो रहा है काउंटर, इस पर भी मूव आपको एक आती हुई दिख रही है, 2.5% ऊपर आपको ये काउंटर दिख रहा है। कुणाल जी जरा देखें, इंटरेस्टिंग काउंटर है, दो तीन दिन पहले भी रेडार पर आया था, आज फिर से मूव आ रही है एजिस लॉजिस्टिक्स 2.5% ऊपर, 350 का लेवल इसने क्रॉस किया है सर। देखिए बहुत सॉलिड अप ट्रेंड में स्टॉक रहा है दीपांशु, और उसके बाद हम इसमें वापस से करेक्शन के बाद ट्रैक्शन बनते हुए देख रहे हैं। स्टॉक ने अभी अभी अपने 50 डेज और 200 डेज मूविंग एवरेज को दोबारा एक बार पार किया है, तो मुझे लगता है वापस से स्ट्रेंथ बनते हुए नजर आ रही है। जिनके पास पोजिशन है बने रहें, नई खरीदारी करें स्टॉक में, अगर थोड़ी और स्ट्रेंथ आती है और ये स्टॉक 360 के ऊपर टिक जाता है तो वहां पर खरीदारी की राय होगी। जिनके पास पहले की पोजिशन है 340 का स्टॉप लॉस रखकर फिलहाल होल्ड। ओके, तो यह है आपके लिए एजिस लॉजिस्टिक्स, यहाँ पर आपको अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। नज़र रखिए इस पर टानला प्लेटफॉर्म्स, इस पर बड़ी मूव आपको आती हुई दिख रही है, इसकी हम बात भी कर रहे थे, इनके प्रोडक्ट को लेकर एक करार इन्होंने किया है। NCC ये भी अब लग रहा है 200 के लेवल से ज़्यादा दूर नहीं है, आज ही एक बड़ा ब्रेकआउट आया 8.5% ऊपर NCC आपको दिख रहा है। इंफ्रा रिलेटेड स्टॉक्स के लिए आज अच्छा दिन भी है। सुमित जी बताएं सर, अब अगले लेवल्स क्या निकलते हैं NCC के लिए? बिल्कुल दीपांशु, बहुत बढ़िया तेजी आज देखने को मिली है, और ये स्टॉक वो कुछ स्टॉक में से है जो बहुत लोअर लेवल से हम रेकमेंड करते हुए आ रहे हैं। मेरे को लगता है आज शायद हिमांशु जी ने भी सुबह रेकमेंड किया था, स्टॉक के अंदर मोमेंटम है, 200 का लेवल जल्दी क्रॉस करना चाहिए, 200 के इसके इमीडिएट टारगेट है, 200 का लेवल क्रॉस होने पर और रैली एक्सटेंड होते हुए देखने को मिलेगी। जिन्होंने ले रखा है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें 185 के पास का और होल्ड करें, तो मूव देखने को मिलेगा। बिल्कुल हिमांशु जी, 200 के लेवल्स ये थे। हिमांशु जी 193 का हाई बनाए, क्या करना है अगर सुबह ट्रेड लिया होगा तो सर इस पे? टिप स्ट्रेंथ को देखते हैं, ऐसा लगता है कि ये तेजी की पोजीशन को कैरी करना चाहिए, कल और तेजी बन सकती है। डेफिनेटली आप स्टॉप लॉस अपने कॉस्ट पर ट्रेल कर ले, 186-187 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाएं, और मुझे लगता है बिल्कुल यहाँ पर फ्रेश जो आपके लॉन्ग ट्रेड है उसको भी ट्रेड करें, और मुझे लगता है अभी भी यहाँ पर थोड़ा अगर बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेड भी है तो भी 7-8 रुपए की तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। और वैसे भी दीप, ये मुझे लगता है बजट तक के लिए काफी अच्छा प्ले है, एक अच्छी तेजी बजट तक अनफोल्ड होते हुए इस काउंटर में देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये है आपके लिए NCC पर राय। आइए सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब स्वागत है आपका, बताएं सर आज की पहली पिक। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी आज का जो पहला स्टॉक का नाम है इंडियन ह्यूम पाइप, जो अभी 255 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। पहले इसका शॉर्ट टर्म टारगेट है 275 के, स्टॉप लॉस रखना है 250 रुपए का। अनिल जी एक सॉलिड फंडामेंटल क्वालिटी कंपनी है, ये कंपनी पाइप्स बनाती है जो कि वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स में काम आते हैं, और जिस तरह से सरकार के जो प्रोजेक्ट्स हैं, नमामि गंगे है, जल जीवन मिशन, और जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को जो बढ़ावा देने के लिए सरकार के और कई योजनाएं हैं, तो उसका एक बड़ा बेनिफिट इस कंपनी को मिलता है। 20 से ज़्यादा इनके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है और 100 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स अंडर एग्जीक्यूशन है इनके, और ये कंपनी रेलवे ट्रैक्स के लिए कॉन्क्रीट स्लीपर्स भी बनाती है, तो वो भी एक बड़ा सेगमेंट है। और आजकल हम रेलवे पे अच्छा खासा फोकस देख रहे हैं, और कंपनी के कई प्रोजेक्ट्स नेपाल, श्रीलंका, बर्मा, मलेशिया, इन सब देशों में भी करती है कंपनी। और ये अगर आप बजट को भी ध्यान में रखें तो मुझे लगता है वाटर सप्लाई, इरिगेशन, ये जो सेगमेंट है, सेक्टर है, ये बजट का भी एक फोकस सेक्टर रहेगा, तो उसका भी एक बड़ा पॉजिटिव ट्रैक्शन स्टॉक में देखने को मिलना चाहिए। बाकी फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, सितंबर तिमाही भी बहुत अच्छी थी, 10 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल सितंबर तिमाही में 6 करोड़ का पैट था। अच्छे रिटर्न रेशियोज है, रीजनेबल डेट लेवल्स है, और FISDIs भी कुछ स्टेक इसमें रखते हैं, जिसमें क्वांट म्यूचुअल फंड है 1.46%। मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करेगा, खरीदारी करने की सलाह है, और जैसे मैंने बताया टारगेट है 275 का, स्टॉप लॉस रखना है 250 का। तो इंडियन ह्यूम पाइप्स ये है पहला स्टॉक। दूसरा सर,
दूसरा स्टॉक अनिल जी आज जिसमें खरीदारी करनी है, अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी स्टॉक की, स्टॉक का नाम है एजिस लॉजिस्टिक्स, जो एजिस केम के नाम से एनएससी का टिकर है, AEGIS CHEM, एजिस केमिकल पुराना नाम होता था। 354 के लेवल्स पे अभी ट्रेड करता है, शॉर्ट टर्म टारगेट है 375 के, स्टॉप लॉस रखना है 345 का। ये भारत की एक लीडिंग लिक्विड टर्मिनल ऑपरेटर है, इसके 6 टर्मिनल्स है स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड अक्रॉस इंडिया, जैसे मुंबई, कांडला, पीपावाव, मैंगलोर, हल्दिया और कोची, और बहुत ही एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान्स है, नया कैपेक्स कर रही है हल्दिया में, कोची में और मैंगलोर में, और इनका एक नया टर्मिनल JNPT पे भी स्टार्ट हुआ है, और जो हम परसों एक मुंबई में मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक की इनोग्रेशन होने जा रहा है, तो उसका एक इनडायरेक्ट बेनिफिट JNPT को होना चाहिए कनेक्टिविटी के हिसाब से, तो उसका एक फायदा इस कंपनी को होगा। फिर इनके कई सारे इंटरनेशनल कंपनी जैसे जापान की कंपनी है इटोचू, उनके साथ LPG इंपोर्ट्स और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करार है, और इस सेगमेंट में इनका 15.5% का मार्केट शेयर है। फिर एक नेदरलैंड्स की कंपनी है वोपैक नाम की, जो कि वर्ल्ड लीडर है टैंक स्टोरेज में, उनके साथ भी इनका JV है। फिर मार्की क्लाइंट लिस्ट है, जैसे शेल है, रिलायंस है, HPCL, BPCL, IOC सबको कैटर करती है, और जिस तरीके से LPG का कंजम्पशन भारत में बढ़ने की उम्मीद है, तो उसका एक बड़ा फायदा इस तरह की कंपनी को होगा, मतलब इट्स इन अ वे प्रॉक्सी टू इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ। बाकी सितंबर तिमाही भी बहुत अच्छी थी, 150 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, 101 करोड़ का पैट था पिछले साल इस तिमाही में, सॉलिड फंडामेंटल्स है, वैल्यूएशंस भी अच्छे हैं, और FISDAI का भी अराउंड 21.6% हिस्सेदारी है, जिसमें अच्छे नाम है, स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड है, फिर आपके गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर है, एबरडीन, HSBC, क्वांट, ये सब इसमें हिस्सेदारी रखते हैं। मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से अच्छे अपसाइड के लिए तैयार है, और खरीदारी करने की सलाह है फॉर अ टारगेट ऑफ 375, स्टॉप लॉस ऑफ 345। ओके, तो ये है आपके लिए एजिस लॉजिस्टिक्स 375 का टारगेट, इंडियन ह्यूम पाइप 275 का टारगेट, ध्यान रखिएगा दोनों लेवल्स पर अच्छी मूव दोनों में आ सकती है, सिटी साहब की रिकमेंडेशंस। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल शेयर करने के लिए। आइए लेते हैं अनिल जी की भी मार्केट स्ट्रेटजी। सर मिलीजुली चाल है अमेरिकी फ्यूचर्स की, बट उतना खराब नहीं दिख रहे हैं, फ्लैट है S&P फ्यूचर्स, 30 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स, 20 पॉइंट ऊपर नैसडेक फ्यूचर्स, तो कुछ ज्यादा एक्शन वहां पर नहीं बन रहा है कल के कंसोलिडेशन वाले सेशन के बाद। यूरोप में भी हल्का फुल्का ही ट्रेड हो रहा है, कुछ ज्यादा बड़ी मूव्स इस समय नहीं दिख रही है। एशिया में जापान में बड़ा ब्रेकआउट था आज 2% ऊपर, बाकी एशिया तो थोड़ा सुस्त था, हमारे बाजार भी ऑलमोस्ट फ्लैट ही है, 70 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी दिख रहा है। बताएं सर क्या करना चाहिए इस समय? दीप करना क्या है ये तो बड़ा सवाल है, 21,500 चुके हम निफ्टी पर होल्ड करें, पहले मैं निफ्टी के डेटा रेडी पहले वो बता देता हूँ जी। 21,500 पूरी संभावना है कि आप उसके नीचे बंद नहीं होंगे, भले उसके बेहद करीब है, और क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, 21,500 के पुट पर 1,04,00,000 शेयर हैं और 21,500 के कॉल्स पर 1,03,00,000 शेयर है, और जैसा भी बता रहे थे नितिन जी भी, सब होने के बावजूद हम 21,500 के नीचे जा नहीं रहे, करेक्ट, 21,500 को होल्ड करें, 2:30 बजे तक होल्ड किया तो संभावना इस बात की पूरी बनती है कि 21,500 को आप आगे भी होल्ड करने की कोशिश करेंगे, उस हिसाब से आपकी डाउन साइड रिस्क नीचे एट द इन वर्स्ट केस सिनेरियो 21,450-21,500 आपके लिए आज बाय जोन है। अब आपको क्या करना है, अब आपको थोड़ा सा 3 बजे के पहले 21,550 के ऊपर निकल के टिकना है, जिसकी संभावना बन रही है, ठीक है, अगर 21,550 के ऊपर निकल कर आप टिक गए तो ऊपर आपके 21,600 तक जाने की जगह है, जहां पर 1,25,00,000 शेयर है ओपन इंटरेस्ट में, ऑलमोस्ट हाईएस्ट टाइप है, तो वहां तक जाते हुए दिखेंगे, तो बचे हुए समय के लिए 21,500-21,600 की रेंज आपके लिए है और थोड़ी अपसाइड बनती है, और बनती इसलिए भी है कि 21,500 का जो कॉल राइटर है, अगर आप 2:30 बज गए नीचे नहीं जा रहे हैं, 3 बज गए नीचे नहीं जा रहे, तो ये 21,500 का कॉल राइटर ना कल के लिए अपनी शॉर्ट पोजीशन काटने की कोशिश करेगा, जो 575-600 तक वापस निफ्टी को ऊपर ले जा सकती है, तो मेरा व्यू थोड़ा ऊपर की तरफ है। अब आइए दूसरी तरफ, और वो है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की है आज वीकली एक्सपायरी, और डेटा जो बने हैं वो डेटा क्या बता रहे हैं, बैंक निफ्टी के डेटा दीप ये बता रहे हैं कि आपके 47,000 के लेवल पे पोजीशन जो बनी हुई है वो है 1,34,00,000 शेयरों की, बैंक निफ्टी के पुट ऑप्शन में हाईएस्ट है, ठीक है। 47,000 के नीचे क्या आपको क्लोजिंग मिलेगी नहीं, और वैसे आपने 47,000 का आज लो बनाया है, करेक्ट, 47,010 का, तो आपकी डाउन साइड रिस्क आपको पता होगी कि इसके नीचे आप नहीं जाने वाले। अब अपसाइड क्या बन सकती है, 47,000 के ठीक ऊपर एक बड़ा लेवल निकल कर आ रहा है, वो आ रहा है 47,200, जहाँ 1,25,00,000 शेयर बैंक निफ्टी में आज की एक्सपायरी के, सो इनफैक्ट आप छोड़िए 47,000,
47,150 47,250 ही आपके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है, जो मैं आपको अभी 2:30 बजे भी बात कर रहा था। सो अब 47,150 47,250 की रेंज में आते यहाँ खरीदारी आ जाएगी, नीचे अगर आए तो। ऊपर कहाँ आएगी खरीदारी, एनी आइडिया बताइए? 47,200 तो लेवल बेस का बन गया, ऊपर यही आएगी। अच्छा, इमीडिएटली? ओके, तो अगर होना जगह आएगी। ओके, अब क्यों आएगी वो बड़े मजे की बात है। आपका सपोर्ट रेंज बहुत नजदीक आ गया, 47,150 250 पे आ गया। ऊपर क्या है? 47,300 47,300 के कॉल्स पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 1,06,00,000 शेयरों का है। और पिछले 15 मिनटों में देखिए, पिछले 15 मिनट की बिल्डिंगें देख रही है, ये एकदम से डे हाई पर लेकर आया, 47,300 को पार कर लिया। अब ये 47,300 को जो अभी पार किया, 5-7 मिनट और टिक गया, जो टिक जाएगा आपको 47,500 तक ले जाने वाला है। ये 47,450 47,500 तो आराम से शॉर्ट कवरिंग में ले जाएगा, और उसके बाद देखेंगे और कितना सपोर्ट आपको निफ्टी से बाकी जगह मिल जाए। देखिए बात करते करते निफ्टी ग्रीन में आ गया, निफ्टी आपको ग्रीन में आ रहा है, ठीक है ना। सो बैंक निफ्टी भी शॉर्ट कवरिंग के लिए तैयार है और निफ्टी भी थोड़ी और मजबूती के लिए तैयार है, ये साफ दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर आप शॉर्ट हैं तो एक बार काटा जा सकता है। हालांकि बैंक निफ्टी जितना सुबह आपके लिए ओवरसोल्ड था उतनी तो नहीं रही, लेकिन आज वीकली एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी पे आपके पुट कॉल रेशियो अगर 1.07 भी है तो कोई चिंता की बात है नहीं। तो मुझे लगता है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही शॉर्ट कवरिंग के लिए तैयार होते हुए दिख रहे हैं। और इसमें एक और आग में घी डालने का काम कर दूँ, बताइए जरा डाउ फ्यूचर देखिए। 2 बजे आपने शो शुरू किया था, तब क्या था रब क्या है? नैस्डैक फ्यूचर्स अब 40 पॉइंट ऊपर है, डाउ फ्यूचर्स पूरी रिकवरी में आ रहे हैं। सो मेरे ख्याल से बचे हुए समय में शॉर्ट सेलर्स के लिए थोड़ी सी रिस्क है। और आप देखिए बैंक निफ्टी बात करते करते 47,400 की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। सो मेरा समझना है 47,500 की तरफ बढ़ने की तैयारी है, और उस हिसाब से आपको एक्शन तेजी की तरफ बनाकर करना चाहिए। मामला थोड़ा मजबूती का बनता हुआ दिख सकता है। जरा इसी पर एक बार मैं राय लेना चाहता हूँ, अगर आप में से किसी ने बैंक निफ्टी के चार्ट्स देखे हो, स्पेशली क्योंकि बचा हुआ समय थोड़ा ही है बैंक निफ्टी के लिए, आज वीकली एक्सपायरी। जी हिमांशु जी और सुमित जी, तो हिमांशु जी बताएं आप पहले, मैं सुमित जी आपके पास आ रहा हूँ। अनिल जी मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ। जिस तरह से सुबह आज, पहली बात तो अनिल जी बहुत आपको अप्लॉड, एक जिस तरह से सुबह आपने वीक बाजार में भी यूट्यूब की ओर नॉकआउट और एक बोल्ड कॉल दिया कि 46,900 पर आते एक तेजी की पोजीशन बनानी, और बाजार उसको डेफिनेटली होल्ड करता हुआ नजर आया। ड्यूरिंग द डे भी अनिल जी दूसरी डिप जो मिली उसके बावजूद वहां से लेवल्स को होल्ड करता हुआ नजर आया 47,150 तक। तो मुझे लगता है 47,500 550 तक की एक शॉर्ट कवरिंग रैली आज के सेशन में ही बनती हुई नजर आ सकती है। और अगर फ्यूचर्स के लेवल्स की बात की जाए नहीं जी, तो 47,470 460 का एक स्टॉप लॉस रहेगा, और मुझे लगता है अपसाइड में यहां से 100 से 150 पॉइंट की रिकवरी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। ए वंडरफुल, 100 से 150 पॉइंट की रिकवरी देखने को मिल सकती है। जी सुमित जी बिल्कुल, अनिल जी आज का हाई बैंक निफ्टी में जैसे निकलेगा 47,400 के ऊपर जब सस्टेन करेगा तो फिर एक अच्छा मूव लास्ट के आधे पौन घंटे के अंदर निफ्टी बैंक के अंदर ऊपर में देखने को मिल सकता है। तो एकदम सही लेवल से, पूरे दिन से एकदम सुस्त ट्रेड कर रहा था, 100-150 पॉइंट के दायरे में ट्रेड कर रहा था। इंट्राडे में एक लोअर साइड का एक फॉल भी आया, लेकिन लोअर से वापस रिकवरी भी किया, तो 47,400 के ऊपर एक अच्छा मूव बनेगा इसके अंदर। पर अच्छा मूव बने के तैयार है, और 47,400 पहुंचता हुआ दिख भी रहा है, 47,395 अभी भी आपके सामने। आशुधर भी बैंक निफ्टी पर अपनी विशेष टिप्पणी देना चाहते हैं। जी आशुधर। नहीं अनिल जी, टिप्पणी मैं बैंक निफ्टी से ज्यादा जो नीचे के लेवल सपोर्ट लिए हैं 21,500 वो इंपॉर्टेंट है अनिल जी, जो हमने स्प्रेड पे भी बनाया था और वो 2-3 बार कोशिश की है कि नहीं टूटा, तो आज के लिए अनिल जी मुझे लगता है कि वो रुकना चाहिए। पर बैंक निफ्टी में अनिल जी जो रिकवरी आ रही है इसमें आप ना कुछ कर नहीं सकते। हालांकि अनिल जी मैं मतलब दो कैश के स्टॉक्स की जरूर बात करना चाहता हूँ, एक जोमेटो और येस बैंक। अनिल जी बार बार हम कवर कर रहे हैं, और पिछले दिनों में येस बैंक मैंने कई बार मतलब क्लाइंट से भी ट्विटर खराब मार्केट में, और बैंक निफ्टी में नहीं जी, बैंक के कंपोनेंट्स पिछले दिनों में हमने कई बार बात की और वहां से 1,000-1,500 पॉइंट गिरा है कि नहीं दिखा रहे हैं। नहीं जी, येस बैंक जो 25 के भी ऊपर खड़ा हो गया है, इसका मतलब ये 30 और 35 की तरफ येस बैंक जाने को तैयार है। तो इस पर नहीं जी वो ध्यान रखना चाहिए, और ध्यान ही वो वाला नहीं जी लेने वाला, जैसे आप कई बार कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि ध्यान रखना चाहिए, ध्यान कहाँ का, तो लेने वाला ध्यान रखना चाहिए। और जोमेटो भी अनिल जी जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि क्वार्टरली रिजल्ट बहुत ही आएंगे, और हर बार नया पड़ाव के ऊपर 120 के ऊपर, फिर 25 के ऊपर, अब 130 के ऊपर, बाजार घटते भी हैं तो घट नहीं रहा। तो अनिल जी दोनों स्टॉक बिल्कुल पोर्टफोलियो में बिल्कुल जम के होने चाहिए।
बिल्कुल, तो ये है आपके लिए राय इन सारे स्टॉक्स। और इस बीच देखिए सिर्फ 3 मिनट में बैंक निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर आपके लिए होता हुआ दिख रहा है। सॉरी, निफ्टी आपके लिए डे हाई पर होता हुआ दिख रहा है 21,525 से 21,575 डे हाई पर। और हमें अभी जो अपडेट भेजा है नितिन जी का, पहला टारगेट 21,550 के कॉल का कंप्लीट हुआ और दूसरा टारगेट 100 की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। और निफ्टी बैंक भी जो सुमित जी की रिक्वायरमेंट थी कि 47,400 के ऊपर निकले, सुमित जी आपकी ज़रूरतों को पूरा करता हुआ बैंक निफ्टी 47,400 के पार निकलता हुआ अब यहाँ से और शॉर्ट कवरिंग के लिए आगे बढ़ेगा। तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही दीप, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैंने क्या किया? सही समय से सवाल किया। अच्छा, स्ट्रेटजी का? हाँ, स्ट्रेटजी ना आप थोड़ा लेट हो जाते तो शायद मूव आ जाती है। वो एकदम टाइमिंग 9 बजे वाली और जहाँ से डेटा बनते हुए दिखे और उसी वक्त निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने 47,300 पार भी किया लगभग वही लेवल पे, तो एकदम परफेक्ट लेवल पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का मूव पकड़ में आया। और इसलिए हमने कहा 21,500 नहीं टूटेगा, कन्फर्म चिंता करिए। और अब यहाँ पर 21, अब 3 बजे तक 21,600 पर आपको इसके निकल कर ट्रेड करना है। 3 बजे तक का आपका टारगेट जो है बड़ा 21,600 निफ्टी है और बैंक निफ्टी 47,500 है, ये ध्यान में रखिए। गॉट इट सर, चलिए ये आपके लिए बाजार का पूरा एक्शन आज। तो एक चीज और कहना चाहता हूँ दीप, एक और जो मुझे समझ में आ रहा है, स्टॉक्स में भी जनरली प्राइवेट सेक्टर बैंक उतना सपोर्ट देते हुए नहीं दिखे, लेकिन कल और आज के मूव में एक बैंक है कोटक बैंक, मुझे लगता है उस पर भी फोकस करना चाहिए। राइट, या आपको अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है तो किसी को तो ऊपर ले जाना है, तो देखिए जरा नजर रखिएगा इसमें भी। ठीक है, चलिए ये है आपके लिए पूरा एक्शन इसका। आइए सचिन जी के पास चलते हैं बिगुल, उनके लिए एक BTS डबल टी का। बताएं सर। दीपांशु, यहाँ पर हेवल्स में एक अच्छी करेक्टिव मूव खत्म हुई है, मुझे लग रहा है यहाँ पर पिछले 2 दिनों का अगर हम डेटा देखें तो वहाँ पर एक होमिंग पिजन फॉर्मेशन का कंफर्मेशन आ रहा है। एंड जिस तरीके से अपने 5 डे एंड 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास इसने सपोर्ट लेके रिवर्सल्स दिए, तो मुझे लग रहा है जल्दी ये स्टॉक 1400 के पार चला जाना चाहिए। 1445 के टारगेट के लिए यहाँ पर हेवल्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आप 1382 पे लगाए, एक ही टारगेट होगा। मुझे लग रहा है 1 से 2 दिनों में ये पर्टिकुलर टारगेट हासिल हो जाना चाहिए, तो खरीदारी करनी है हेवल्स के फ्यूचर में। तो हेवल्स में करें खरीदारी, ये आपके लिए राय आ रही है। थोड़ा एक्शन इस काउंटर पर भी होने का, 1445 के टारगेट के लिए यहाँ पर करें खरीदारी। आइए मनापुरम, इस पर करते हैं बात। सुबह से ही ब्रेकडाउन आ रहा है, हालांकि निचले स्तरों से रिकवर जरूर हुआ है बट अभी भी 4-4.5% नीचे ही है मनापुरम फाइनेंस। क्यों आज इतनी बड़ी गिरावट आई है एक बार समझते हैं, कुशल है हमारे साथ तैयार बताने के लिए। कुशल बताइए क्या हुआ इसमें? बिल्कुल दीप, आप देखिए यहाँ पर जो आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस है इनकी सब्सिडियरी, वो उसका जो IPO आने वाला था उस पर फिलहाल सेबी ने रोक लगा दी है। और ये मामला कहीं ना कहीं इनके लिए सीरियस है क्योंकि इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो मैं आपको बताता हूँ। हिस्ट्री वाइज आप देखिए तो अक्टूबर 2023 में यहाँ पर इन्होंने IPO के लिए अर्जी दी थी और जिसके वजह से ये करीबन 1500 करोड़ रुपये जुटाने वाले थे और ये ग्रोथ कैपिटल के लिए, कंपनी की ग्रोथ कैपिटल के लिए ये ऐसा जुटाना काफी आवश्यक था। क्योंकि आगे चलकर आप देखिए तो यहां पर जो इसकी सिग्निफिकेंस है, कंपनी की करीबन 97.6% हिस्सेदारी है आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस में और FY15 में यहाँ पर ये कंपनी इन्होंने खरीदी थी। इनफैक्ट फाइनेंशियल डेटा वाइज आप देखिए तो कंपनी की जो इम्पोर्टेंस है FY23 में आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस का 10,000 करोड़ का AUM था और साथ ही 33 लाख से ज़्यादा अकाउंट्स ये केटर करते हैं। तो ये अगर कैपिटल रेज कर लेते, IPO क्लियर हो जाता तो आगे के लिए कंपनी की जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है वो किसी और लेवल पर भी हो सकती थी। बट फिलहाल जिस तरह से यहाँ पर जो इन्होंने अर्जी दी थी और उसके बाद सेबी का जो अभी प्रोसेसिंग स्टेटस बता रहा है उससे तो यही लग रहा है कि यहाँ पर थोड़े टाइम के लिए इनकी जो ग्रोथ ये एक्सपेक्ट करके चल रहे थे इस सब्सिडियरी के थ्रू वो थमती हुई नजर आ रही है। ओके, तो ये है आपके मनापुरम पर कट जो आता हुआ दिखा, इसी वजह से कि IPO थोड़े समय के लिए टला है, बिल्कुल कैंसिल नहीं हुआ है भाई, टला है मतलब, तो थोड़ी पिटाई करो, सोच समझ के करो, कुछ क्लैरिफिकेशन आई थिंक मांगी है, तीन चार समय लगेगा, बट हो सकता है किसी को ये लग रहा हो कि आएगा ही नहीं। अब किसको लग रहा है, क्यों लग रहा है, वो तो वही जाने। अभी तक हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो तो ये है कि भाई थोड़े समय के लिए IPO टाला गया। एक बार सनी अग्रवाल साहब भी जुड़ गए, हाँ बिल्कुल, स्वागत इसी के साथ किया जाए उनका।
सर स्वागत है आपका, गुड आफ्टरनून। जरा एक बार मनोपुरम पर अपनी राय भी दें। टली है आईपीओ, ऐसा नहीं कैंसिल हुई है, कुछ क्लैरिफिकेशन मांगी है सेबी ने, और आई थिंक जब मिल जाएंगे तो फिर शायद प्रोसेस भी सिंपल हो जाएगा, बट क्या राय रखते हैं तब तक स्टॉक पर सर? या गुड आफ्टरनून दीपांशु। डेफिनेटली जिस तरह से आपने कहा कि आईपीओ में डिले हुआ है, ये कोई कैंसिल नहीं हुआ है, और अगर मैं ओवरऑल फाइनेंशियल्स की भी बात करता हूँ तो जो क्वार्टरली प्रॉफिट है आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस से तकरीबन 2 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी बनाती है, और ओवरऑल जो गोल्ड लोन बिजनेस है उससे 500 करोड़ का प्रॉफिट आता है, 400 करोड़ का। तो ओवरऑल जो मेन बिजनेस है गोल्ड बिजनेस का उसमें कोई इम्पैक्ट है नहीं, और माइक्रो अगर आईपीओ डिले हुआ है तो टू सम एक्सटेंट ठीक है, बाय क्वार्टर 1-2 महीने से डिले हुआ होगा, मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत जाए। तो कॉमन जब भी कोई आईपीओ फाइल होता है ये रूटीन प्रोसीजर होता है, यहाँ सेबी सर्टन क्वेश्चन रेज करती है और मर्चेंट बैंकर और मैनेजमेंट वो जो क्वेश्चन है उसका जवाब लेकर के जाती है। तो मुझे लगता है कि एक डिसेंट मौका है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है ये जो डीप है इसे ग्रेजुअली पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो डिप है ग्रेजुअली पोर्टफोलियो में ऐड करने के मौके की तरह ही इस पर आप फोकस करके चल सकते हैं। तो चलिए रखेंगे नज़र मनापुरम, यहाँ पर आपको एक्शन थोड़ा आज गिरावट वाला दिख भी रहा है, बट कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर बढ़िया मूव इस समय आती हुई दिख रही है और एक्शन में भी बने हुए हैं। नज़र रखिए BHEL, इस पर एक फ्रेश मूव अभी अभी आती हुई दिख रही है, स्पाइक आ रहा है BHEL में, इस पर रेडार पर रखिए। वापस 200 के लेवल्स आ रहे हैं, 200 के लेवल्स ने टच किया था, वहाँ से थोड़ा करेक्शन आया, अब वापस रिवर्सल, और आज इंट्राडे में 10 रुपये की मूव ये काउंटर दिखा भी चुका है। आइए चलते हैं सुमित जी के पास, उनके लिए एक बिगुल सुमित का सुपर हिट। बताएं सर दिवांशु, कॉन्सिडेंस है, आप जिस स्टॉक का नाम ले रहे हो वही स्टॉक अभी मेरे रडार पे है। स्टॉक का भाव चल रहा है 199.50 से 199.70, 199.50 199.70। स्टॉक का नाम है भेल, BHEL। BHEL 200 का लेवल क्रॉस कर रहा है, पिछले 3 दिनों के हाई ब्रेक कर रहा है, लास्ट हफ्ते भर में थोड़ा सा करेक्टिव और साइडवेज मूव दिखाने के बाद अब वापस से ऊपर का मूव रिज्यूम कर रहा है। भेल में खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है होल्ड करें। फाइनली 40 रुपये वाली भेल 200 रुपये पे आ चुकी है, और भेल अब यहाँ से 205-210 ये इमीडिएट शॉर्ट टर्म के टारगेट है, पोजिशनल टारगेट और ऊपर के देखने को मिलेंगे। तो खरीदारी करें 195 या 196, इसका नीचे में सपोर्ट है, 195 के स्टॉप लॉस से भेल में खरीदारी करना है 205-210 के टारगेट्स के लिए। शॉर्ट टर्म के टारगेट है, पोजिशनल टारगेट और ऊपर के देखने को मिलेंगे। और अनिल जी के भी लिस्ट में था 200 तक के टारगेट, सर की तरफ से भी आए थे, वो भी आपको पहले भी एक बार अचीव हुए थे, उसके बाद स्टॉक ने थोड़ा करेक्शन दिखाया, अब वापस आपको BHEL पर मूवमेंट अच्छा खासा आते हुए दिख रहा है, तो यहां पर एक्शन अच्छा बना हुआ है। आइए भारत में डिफेंस कंपनियों के लिए आगे और बड़े मौके बनेंगे, BHEL भी डिफेंस का पार्टिसिपेंट है और डिफेंस स्टॉक्स पे भी आज अच्छा एक्शन दिख रहा है। कोचिन शिपयार्ड यहां पर स्टॉक स्प्लिट के बाद आज बड़ी मूव देख रहे हैं। रक्षा सचिव गिरधर अरमाने का कहना है कि आगे कुछ और बढ़िया अपॉर्चुनिटीज बाजार के लिए बनेंगी। हमारे संवाददाता अनुवेश ने बात भी करी थी सर के साथ, एक बार देख लेते हैं उनका क्या कहना है आगे के आउटलुक को लेकर। हमारे DPSUs और जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको किस तरीके से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ते हुए देखते हैं? अब तक हम 16,000 करोड़ का एक्सपोर्ट कर चुके हैं पिछले साल, इस साल लगभग 20,000 करोड़ तक इसे ले जाना चाहते हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए जो आवश्यकता है वो बजट में कभी भी कमी नहीं की जाती है। हमें ये उम्मीद है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा जो आवंटित किया जाएगा और राशि हमें काफ़ी हो। एक डेकेड में हमारी नेवी जो है, अभी फिलहाल तो हम लोग बायर्स नेवी थे, अब हम मेकर्स नेवी बन गए हैं, आप इसको एक डेकेड और आगे चलते हुए किस तरीके से देखते हैं? नेवी में आत्मनिर्भरता का बहुत ज़्यादा ये वृद्धि हुई है। अभी जो हम वारशिप्स बनाते हैं, डिस्ट्रायर्स, फ्रिगेट्स, कॉर्वेट्स, सबमरीन्स, सभी सिस्टम्स की तैयारी यहीं पे हो रही है। जब हम एयरक्राफ्ट कैरियर भी हम अपने आप बना सकते हैं तो इंपोर्ट्स की आवश्यकता बहुत कम हो गई। तो इंपोर्ट्स की आवश्यकता कम हो जाएगी, एक्सपोर्ट्स के मौके बन रहे हैं हमारी डिफेंस कंपनीज के लिए, लगातार इन स्टॉक्स में आपने बढ़िया एक्शन भी देखा है और आज भी मूव दिखा रहे हैं। कोचिन शिपयार्ड एक बार जरा नजर डालिए, इस स्टॉक से नजर हट नहीं रही है। आज इसका स्टॉक स्प्लिट हुआ था,
₹10 वाला ₹5 हो गया इसका फेस वैल्यू, और वहां से देखिए क्या मूव आ रही है इस समय, 20% का सर्किट लगाने के लिए तैयार है। यूजुअली इस पेस से सबसे ज्यादा एक्टिव मजगांव डॉक होता है, बट आज कोचिन शिपयार्ड ने एक नई ही पेस सेट करी है और स्टॉक में भी बढ़िया मोमेंटम दिख रहा है। एक बार सनील अग्रवाल साहब से बात करते हैं इसके बारे में। सर, आज बड़ा कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है और उसके बाद देखिए 20% ऑलमोस्ट ऊपर दिख रहा है ट्रेड में, 800 का लेवल टच करने को तैयार है कोचिन शिपयार्ड। सर, या डेफिनेटली दीपांशु, जो एंटायर शिपिंग स्पेस है डिफेंस साइड में, मुझे लगता है कि उसमें काफी ज्यादा एक्साइटमेंट बनी हुई है, और उसका कारण यही है कि जिस तरह से ऑर्डर इन्हें आ रहे हैं फॉर सबमरीन, फॉर वॉरशिप, एयरक्राफ्ट कैरियर, उसके चलते हुए मुझे लगता है कि एंटायर जितनी भी शिपिंग कंपनी है, वेदर इट इज कोचिन, मजगांव डॉक, गार्डन रीच शिप बिल्डर, तो इसमें तीनों में कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू विजिबिलिटी है। और अगर मैं वैल्यूएशन के लिहाज से भी बात करता हूँ तो एज कम्पेयर टू दी अदर डिफेंस कंपनी जैसे HAL हो गई, उनके मुकाबले मुझे लगता है कि वैल्यूएशन रिलेटिवली अभी भी चीप है ये सब कंपनीज में। और इसमें और स्पेशली अब जब बजट वोट ऑन अकाउंट बजट है, हालांकि 20 दिन दूर है, उसमें कहीं ना कहीं एक होप है कि जो गवर्नमेंट का जो केपेक्स स्पेंड रहेगा ऑन डिफेंस अगेन दिस ईयर बढ़ करके आएगा, और उसका एक सीधा बेनिफिशियरी एंटायर डिफेंस सेक्टर रहेगा। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा स्पेस है, अच्छा सेक्टर है टू बी इन फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। इसे शॉर्ट टर्म के नजरिए से ना देखते हुए थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का होराइजन रखना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें जो स्ट्रक्चरल शिफ्ट हुआ है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग ग्रोथ और जो अर्निंग विजिबिलिटी है, उसके चलते मुझे लगता है कि ये सेक्टर लॉन्ग टर्म के लिहाज से डेफिनेटली रडार पर होना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिहाज से डेफिनेटली रडार पर रखिए। आज तो मौका आपके हाथ से चला गया, क्योंकि बात करते करते 20% का सर्किट इस पर लग गया है, बट बढ़िया मूव आज इस पर आई है। नजर रखिएगा, स्टॉक में भी जबरदस्त एक्शन बना हुआ है। कोचिन शिपयार्ड आज का एक स्टार काउंटर है। कुछ और स्टॉक्स जहां पर आज आपको एक अच्छी मूव आती हुई दिख रही है, बड़ौदा मार्केट्स पर ही रखिए नज़र। पॉलीप्लेक्स आज एक बाउंस बैक के मूड में 2% ऊपर ये काउंटर ट्रेड कर रहा है, थोड़ा अच्छा एक्शन इसमें भी बना हुआ है। इसके साथ ही NLC इंडिया, इस पर एक अच्छी खरीदारी आ रही है। एक बार कुणाल जी से NLC इंडिया के चार्ट पर भी राय लेते हैं। कुणाल जी, रिसेंटली भी खबरों के दम पर एक्शन में था, आज फिर से मूव दिखा रहा है और 5% ऊपर है सर NLC इंडिया। देखिए, बहुत सॉलिड अप ट्रेंड स्टॉक में देखने को मिला दीपांशु, स्टॉक में जबरदस्त मूव हमने देखा और उसके बाद एक अच्छा खासा करेक्शन भी हुआ हाल में। लगभग 260-265 के लेवल्स छू लेने के बाद स्टॉक नीचे आया 215 तक, और वापस से आज के ट्रेड में हम देख रहे हैं एक बुलिश थ्रस्टिंग लाइन पैटर्न चार्ट पर बना है, ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरी राय में जो इसमें एक री एंट्री का मौका तलाश रहे थे, आज का अच्छा मौका है। 215 रुपए पर एक स्टॉप लॉस रख लें 215 पर, मुझे लगता है कि वापस अपने जो लाइफ टाइम हाई लेवल्स हैं उसको रिक्लेम करेगा स्टॉक, तो 215 के स्टॉप लॉस से बाय करने की राय। ओके, ये है आपके लिए NLC इंडिया, इस पर खरीदारी की राय बन रही है। आइए सुमित जी के पास चलते हैं, सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। दीपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे है, स्टॉक का अभी भाव चल रहा है ₹109.30, ₹109.40, 109.30, 109.40 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है मदरसन, मदरसन के अंदर ब्रेकआउट है, मदरसन यहां से एक अच्छा मूव दिखाने को तैयार है। रिसेंट का स्विंग हाई जो स्टॉक में लगा था ₹108.90 का, वो ब्रेक कर रहा है। मेरे को लग रहा है कि संवर्धना मदरसन यहां से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ का दिखाने को तैयार है, तो जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें, यहां पे फ्रेश खरीदारी करें। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है ₹105, ₹106 के पास है, 105 के स्टॉप लॉस से मदरसन के अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, ₹114 का इसका पहला टारगेट होगा, ₹118 का इसका दूसरा टारगेट होगा। ये दोनों टारगेट शॉर्ट टर्म के हैं, पोजिशनल टारगेट और ऊपर के देखने को मिलेंगे। 105 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें 114-118 के टारगेट्स के लिए। ओके, मदरसन ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय सुमित जी की तरफ से 114-118 के टारगेट के लिए आती है। ओके, सुमित जी ने भेल और मदरसन बैक टू बैक दिए हैं, दो दमदार कॉल्स। आइए जी, एक बार रुपए पर नजर डाल दीजिए सर, अभी बहुत बढ़िया मूव आ रही है। निचले सर से 20 पैसे मजबूत है, फिलहाल 12-13 पैसे मजबूत दिख रहा है। अभी अभी 83 के नीचे भी गया था, दो हफ्ते की ऊंचाई पर रुपए आपको इस समय ट्रेड करते हुए दिख रहा है सर। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया मूव आ रही है। वैसे तो आजकल रुपए में बड़े मूव आते नहीं है, आज 20 पैसे का मूव बड़े दिनों बाद आया है, बड़ा अच्छा, मतलब 5-7 पैसे से ज्यादा ऊपर नीचे होता नहीं है। यस, बट बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। इंट्राडे में एक बार के लिए कमजोर हो गया था, वहां से रिकवर करके, एक बार के लिए तो कमजोर भी हो गया था इंट्राडे में, वहां से फिर रिकवर करके और बढ़िया स्ट्रेंथ दिखा रहा है। ओके, गुड, ग्रेट, ये है आपके लिए
पूरा का पूरा एक्शन इस वक्त आता हुआ। आइए बढ़ते आगे, शोभा के बाद प्रेस्टीज स्टेट्स पर भी नोवामा की एक रिपोर्ट आई और उस पर भी हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन उससे पहले एक स्टॉक आपके रडार पे लाना जरूरी है दीप, पिछले कुछ मिनटों में बहुत तेजी से इसमें बड़ा उछाल आया है, वेदांता। जरा ये स्टॉक लेकर आते हैं, आज बड़ी खबर स्टॉक को लेकर की जिसमें मूडीज ने इनकी ग्रुप कंपनी पेरेंट कंपनी वेदांता रिसोर्सेज की डाउनग्रेड किए हैं और आउटलुक उनका नेगेटिव बरकरार रखा। लेकिन उसके बावजूद जहां खुला वहां से स्टॉक में जबरदस्त एक्शन आता हुआ दिख रहा है, डे हाई पर पहुंचता और पिछले कुछ मिनटों में बहुत ही तेजी से आगे बढ़ा है वेदांता। जरा इसके चार्ट पर एक बार नज़र डालना जरूरी है, देखना यह है कि क्या वाकई में कुछ बड़ा कमाल करने को तैयार है। कुणाल जी बताएं सर। अरे ये देखिए बिल्कुल वेदांता में हम देख रहे हैं कि एक मोमेंटम बना हुआ है, स्टॉक ने एक मेजर हर्डल चार्ट पर रिसेंटली पार किया और उसके बाद अब स्टॉक में वापस से ट्रैक्शन बन रहा है। एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस स्टॉक पर अगर आप देखें तो 270 रुपए के आसपास नजर आती है। पिछली बार भी हमने देखा था कि 270 से ही टकरा कर एक बड़ा फॉल आया था, तो ये 270 का लेवल काफी क्रिटिकल है। ये अगर पार हो जाए तो स्टॉक में आपको एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, हायर बॉटम्स इन प्लेस हैं, सारे एवरेजेस के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 270 का ब्रेकआउट आता है तो मेरी खरीदारी की राय है। ठीक है, ब्रेकआउट की तरफ तेजी से बढ़ने को तैयार भी है, 268-269 की रेंज में आ चुका है, 270 के ऊपर के ब्रेकआउट पर कुणाल जी खुद नजर रखेंगे। वैसे भी बंसल जी शो में है नहीं, तो कुणाल जी के पास और कोई विशेष काम है नहीं, और आजकल आशीष सर वैसे भी उनको कोई काम देते नहीं, नहीं देते हैं। आशीष सर की फर्स्ट प्रेफरेंस ही बंसल जी हो चुके हैं अगर कोई भी चार्ट वगैरह के मामले में। सो कुणाल जी आर कंप्लीटली फ्री, बल्कि कुणाल जी तो विदाउट एनी वर्क, कुणाल जी तो मांगे बिना एडवाइस दे रहे थे। अभी मांगा नहीं फिर भी दे रहे थे, सो लेफ्ट आउट फीलिंग यू नो। तो अब आप आराम से वेदांता के चार्ट 270 के पार निकले तब बताइएगा जी कुणाल जी। अनिल जी बिल्कुल आपने सही पहचाना, अनिल जी अगर अपने प्रोडक्ट की डिमांड कम होते कोई व्यक्ति देखता है तो उसका फ्री सैंपल अनिल जी देना पड़ता है जी। बहुत ही बढ़िया, सो रीजनेबल एकदम, बिल्कुल ईमानदारी से कुणाल जी का, बिल्कुल कुणाल जी हाँ, आप भले ही आप सोचते हो कि आपका ये फ्री सैंपल है लेकिन हमारे लिए आपकी ओपिनियन प्राइसलेस है, बिल्कुल बहुमूल्य, अमूल्य, बहुमूल्य भी नहीं अमूल्य है जो आप दे रहे हैं, बिल्कुल इसमें कोई डाउट ही नहीं। बाय द वे काम किए ये जो वेदांता की मूव है ये जो बाजार की पुरानी कहावत है उसको प्रूव कर रहा है, जिस दिन रेटिंग डाउनग्रेड आया उस दिन स्टॉक बॉटम करेगा। हाँ एग्जैक्टली, आज वही प्रूफ, आज रेटिंग डाउनग्रेड आया, जहाँ खुला वहाँ से पीछे मुड़ के नीचे नहीं गया, हाई पर जाता हुआ दिख रहा है, गजब का एक्शन होता है, प्रूफ कर रहा है वो। चलिए आइए एक बिगुल हिमांशु जी के लिए, हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। दीप ये जो रिकवरी है ये सिंगल हैंडेडली रिलायंस खींच के लेके आ रहा है, और अगेन कुडोज टू अनिल जी, सुबह अनिल जी ने मेंशन किया था कि रिलायंस आज सपोर्ट कर सकता है और आज बड़ा ब्रेकआउट रिलायंस में होता हुआ नजर आ रहा है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 2640 के आसपास के करंट लेवल्स हैं, कोई छोटा मोटा डिप मिलता है 2-4 रुपए का 2635-2634 तक पोजीशन को ऐड करें, स्टॉप लॉस लगाना है 2625 का, और दीप मेरा मानना है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में कल 2675, 2690 और 2700 तक का इनफैक्ट टारगेट्स कल ही देखने को मिल सकते हैं। मच अवेटेड ब्रेकआउट रिलायंस इंडस्ट्रीज के चार्ट में है और मुझे लगता है यही एक सिंगल हैंडेडली बाजार को ऊपर भी सपोर्ट दे रहा है, तो रिलायंस में खरीदारी करके चलने की सलाह है। रिलायंस में खरीदारी करने की सलाह है और रिलायंस ऊपर जा रहा है तो आप देख रहे हैं बाजार में भी एक्शन बन रहा है, निफ्टी अब आपका 60 पॉइंट ऊपर दिख रहा है, यहाँ पर एक बढ़िया सपोर्ट रिलायंस की तरफ से आ रहा है और पिछले 5 मिनट में एक बढ़िया ब्रेकआउट भी इस पर दिखा है। 52 वीक हाई के लेवल्स के आसपास आपको रिलायंस आते हुए दिख रहा है आई थिंक और फ्रेश 52 वीक हाई बना भी रहा है रिलायंस इस समय, तो चलिए अच्छी मूव इस काउंटर में आ रही है बाजार को। 2600 आ गया आपका, बहुत ही बढ़िया, वंडरफुल, 3 बजने में 2 मिनट है, बधाइयां बधाइयां बधाइयां। देखिए ये समय और लेवल का जो कॉम्बिनेशन है लाजवाब है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, एकदम समय मिला लीजिए, 3 बजने वाले हैं उससे ठीक पहले 21600 के पार निकलता हुआ निफ्टी कुछ ना कुछ कमाल करने के मूड में जरूर, क्या मार्केट है दीप, एकदम सपोर्ट लेवल पे आके रुकता है, एकदम रेजिस्टेंस के सपोर्ट लेवल पे आके उठ जाता है, रेजिस्टेंस के लेवल पे आकर रुक जाता है, 21500 के आसपास आएगी किसी भी कारण से खरीदारी आए और 21700 के आसपास जाएंगे तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अब देखते हैं 21700-21800 की रेंज में कहाँ प्रॉफिट बुकिंग आती है, लेकिन एक बार तो 21600 को पार करके थोड़ा और बेहतर, थोड़ा और मजबूत होने की कोशिश में। अच्छी बात यह कि बाजार, हमारे बाजार काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आज, डाउ
और नैस्डेक का मूड सुधारने में। अब डाउ भी हरी निशान में लौट चुका है, फ्यूचर्स में नैस्डेक 65 पॉइंट ऊपर होता हुआ दिख रहा है। बात हम कर रहे थे इस बीच में, बात निकल गई वेदांता की, लेकिन बात होनी थी नुआमा की रिपोर्ट पर। शोभा के बाद एक और रिपोर्ट आई किस पर, प्रेस्टीज पर। अरमान तैयार है हमारे साथ बताने के लिए प्रेस्टीज की डिटेल्स। बताएं कोई प्रेस्टीजियस रिपोर्ट? बिल्कुल सर, बहुत प्रेस्टीजियस रिपोर्ट है। शोभा की भी उन्होंने बहुत प्रेस्टीजियस रिपोर्ट दी थी, अब उसके बाद यहाँ पर प्रेस्टीज पे भी जो इनको जो पुराना इनका टारगेट था 956 था, उससे बढ़ाकर लगभग 1596 1600 के आसपास का टारगेट कर दिया है, जो कि अगर आप मौजूदा भाव देखेंगे तो उससे लगभग 16-17% ऊपर पर है। अब क्या चीज़ ये बता रहे हैं अपनी रिपोर्ट में? सबसे पहली बात तो Q3 FY24 में इनकी जो प्री सेल्स है वो YOY 111% बढ़कर आई थी, और YTD अगर आप बुकिंग्स की बात करें तो वो भी 81% बढ़कर आई, और अगर आप पूरे साल की तुलना कर लें FY23 की, वहाँ से भी 26% ज़्यादा है। अब उसका रीज़न क्या है? क्योंकि एक तो कलेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़कर आया था, उसी के साथ साथ इनके जो ब्रोकर्स का इनका अनुमान है कि ये जो सेल्स का जो मोमेंटम दिख रहा है इनको, ये आगे भी कंटिन्यू रहने वाला है। और Q3 FY24 में जो कंपनी ने किसी भी तिमाही का हाईएस्ट एवर लॉन्च ये करते हुए दिखे हैं, अपडेट वो ये भी दे रहे हैं कि ये तो Q3 में जो लॉन्चेस हुए हैं, उसके आने वाले तिमाही की बात करें तो Q4 में भी बेंगलुरु, मुंबई और चेन्नई, यहाँ पर भी नए लॉन्चेस आने वाले हैं। और जो कंपनी ने टारगेट दिया था प्री सेल्स का पूरे साल के लिए 20,000 करोड़ का, ब्रोकरेज का ये मानना है कि उसको अच्छे खासा एक्सीड करके कंपनी और ज़्यादा प्री सेल्स बुक कर लेगी। और जो एग्जीक्यूशन है, जिस तरीके से लॉन्च हो रहे हैं और जिस तरीके से जो प्लानिंग्स हैं इनके प्रोजेक्ट्स की, एग्जीक्यूशन है वो भी कंपेटिवली सब चीज़ में फेज में काफ़ी बढ़िया है। तो एग्जीक्यूशन बढ़िया है, नए लॉन्चेस बढ़िया है, प्री सेल्स बढ़िया है, एवरेज प्राइस रियलाइजेशन बढ़ी है, उस हिसाब से इनका टारगेट भी बढ़ा रहा है। बड़े टारगेट सारे बैक टू बैक सारे रियल एस्टेट काउंटर्स पर। आज पूर्वांकरा का भी हमने अपडेट बढ़िया देखा था। सनी सर, अगर ये बैंगलोर बेस्ड रियल एस्टेट स्टॉक्स पिकअप करना हो, शोभा, ब्रिगेड, प्रेस्टीज, पूर्वांकरा, कौन सा प्रेफरेंस रहेगी? क्योंकि सभी से अच्छे अपडेट आए इस बार तो सर। या डेफिनेटली दीपांशु, धमाकेदार अपडेट आ रहे हैं सभी रियल एस्टेट कंपनी की ओर से। और अगर हम बैंगलोर बेस्ड रियल एस्टेट कंपनीज की बात करें तो मुझे लगता है कि रिलेटिवली मैं दो कंपनी के साथ जाना चाहूंगा। एक है शोभा डेफिनेटली, हालांकि इसमें एक बड़ा अपमूव हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो शोभा एक बाय ऑन डीप का मेरा कैंडिडेट रहेगा। और एक मेरा ऑन कमर्शियल रियल इस्टेट के साइड मेरा पिक रहेगा फिनिक्स मिल, हालांकि पैन इंडिया प्लेयर है इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी मॉल डेवलपमेंट के एंगल से, बट मुझे लगता है कि एक डिसेंट प्ले है ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ रियल इस्टेट कमर्शियल साइड एज वेल एज कंजम्पशन को लेकर के। और कल तो ऑफकोर्स बढ़िया एक्शन इस स्टॉक में आपको बनते हुए भी दिख रहा था, वहाँ पर भी रखिए नजर। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बात कर रही हैं वाइब्रेंट गुजरात समिट पर, जैसे जैसे कुछ कमेंट्स वहाँ से निकल कर आएंगे हम आपको इसके बारे में बताएंगे भी। बट बाजार का एक्शन फ्रंट एंड सेंटर बना हुआ है इस समय। कुछ और स्टॉक्स जो इस समय की रिकवरी में योगदान दिखा रहे हैं, डेल्टा कॉप, नतीजे इसके कुछ ज़्यादा खास नहीं थे, बट वही है, सुबह खुला उसके बाद वहीं पर बॉटम बनाया और वहाँ से आपको स्टॉक अच्छी तेज़ी में दिख रहा है। डेज हाई पर इस समय डेल्टा कॉप आते हुए दिख रहा है। कंपनी ने कहा है फिलहाल कोई प्रोविजन नहीं कर रहे हैं ये GST रिलेटेड मामले में, जब क्लैरिटी आएगी उसके बाद ही यहाँ पर ये फैसला लेंगे। हिमांशु जी, एक चार्ट चेक डेल्टा कॉप पर। वैसे तो वायदा कारोबार के बैन में है, बट आज नतीजों के बाद एक अच्छी मूव आई है थ्रू द डे, सिर्फ टेक्निकल लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट ये बता दीजिए। दीप, ब्रॉडली ऐसा लगता है कि लोअर लेवल्स पर डिमांड देखने को मिल रही है लगातार स्टॉक में, बट एट द सेम टाइम हायर लेवल्स पर सप्लाई भी स्टॉक फेस कर रहा है। तो ब्रॉड लेवल्स मेरा मानना है कि 160 रुपए का एक क्रूशियल रेजिस्टेंस है। जब तक 160 के स्टॉक ऊपर सेटल नहीं होता तब तक मुझे लगता है रिपीटेडली रेजिस्टेंस और सप्लाई फेस कर सकता है, लेकिन 160 के ऊपर अगर ये स्टॉक निकलेगा तो 175 रुपए तक की शॉर्ट कवरिंग रैली स्टॉक में अनफोल्ड होती हुई नजर आ सकती है। नजर रखिए डेल्टा कॉप, एक मूव इस पर जरूर आपको इंटरेस्टिंग आती हुई इस समय दिख रही है। मिड कैप आईटी पर रखिए नजर, यहां पर मूव अभी अभी शुरू हो रही है। कोफोर्ज, परसिस्टेंट, एम्फेसिस और बिरला सॉफ्ट तो खैर सुबह से ही बजिंग है, बट LTI माइंट्री पर भी अभी थोड़ी देर पहले कॉल आ रही थी, बट कोफोर्ज, परसिस्टेंट और एम्फेसिस यहाँ पर बढ़िया एक्शन है। कोफोर्ज इनफैक्ट एक अच्छा स्पाइक फिलहाल दिखा भी रहा है, एक अच्छी मूव इस काउंटर पर आपके लिए बन रही है। सचिन जी, एक बार जरा कोफोर्ज का भी चार्ट देखेंगे, काफी एक्टिव हो रहा है सर इस समय। दीपांशु, ये पूरा स्पेस काफी इंटरेस्टिंग जंक्शन पे है, मुझे लग रहा है काफी सारे स्टॉक्स में यहाँ पर एक अच्छे कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट और रिवर्सल्स नजर आ रहे हैं। एंड जिस तरीके से कोफोर्ज का डेटा है अभी भी कॉन्फिडेंस बरकरार है, 5900 के आसपास एक
अच्छा क्लासिक डबल बॉटम का कंफर्मेशन है एंड जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है जल्दी ये स्टॉक 6600 के पार हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर ट्रेडिंग के लिहाज से लगभग अराउंड 60 के टारगेट के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस अभी भी ऐड करने की सलाह होगी। एक अच्छा बेस है 6000 के आसपास का एलिवेटेड, तो स्टॉप लॉस आप 6020 पे लगाएं ऑन क्लोजिंग बेसिस। एक कोफोर्ज पर आए वागले साहब का पसंदीदा स्टॉक आज सेंचुरी मारता हुआ आपके सामने तैयार है सुमित जी कैश का ऑप्शन लेकर। जी सुमित जी बताएं सर। अनिल जी बाय का स्टॉक अभी रडार पे है ऑप्शन में, जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे है उसका भाव चल रहा है 790 रुपए 790 रुपए 50 पैसे 790.50। रियल एस्टेट सेक्टर में मोमेंटम है, स्टॉक का नाम है डीएलएफ। डीएलएफ का 795 का कॉल यहाँ पे सीएमपी पे लेने का सलाह रहेगा 20 रुपए 20 रुपए 50 पैसे 795 का कॉल डीएलएफ में। मेरे को लग रहा है कि यहाँ से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ का देखने को मिलना चाहिए। स्टॉक मजबूत है, सेक्टर मजबूत है, जल्दी ये स्टॉक यहाँ से ऊपर में 800 का लेवल क्रॉस करने को तैयार है। तो डीएलएफ का 795 का कॉल यहाँ पे खरीदारी करें, 15 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाए। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकता है 25 रुपए का पहला टारगेट, 28 रुपए का दूसरा टारगेट, तो खरीदारी करें डीएलएफ का 795 का कॉल। ए डीएलएफ सुमित जी व्हाट डू यू लाइक इन मीठा? अनिल जी आप जो खिलाएंगे मैं खा लूंगा। अनिल जी मैं तो उल्टा बोल रहा था, अब जो खाएंगे वो मैं खिला दूंगा। 800 टच करवाई अनिल जी, लगता है कल ही हो जाना चाहिए। बहुत ही बढ़िया, क्योंकि हमारा टारगेट 800 का है, 800 का जो इस साल की हमारी पिक ऑफ द ईयर के तौर पर, आई मीन 2023 की पिक ऑफ द ईयर के तौर पर लगातार हम पिछले साल से 22 और 23 में इसको लगातार 250 रुपये से रिकमेंड करते हैं। 52 वीक हाई पर बैठा हुआ है, बिल्कुल 52 और अभी भी हमारा टारगेट 3 डिजिट से अब हम रिवाइज करके 4 डिजिट का कर रहे हैं। 4 डिजिट का कर रहे हैं सुमित जी, आए अभी तो बिल्कुल अब तो जुड़ गए सुमित जी। अभी सुमित जी तक 4 डिजिट तक के टारगेट के लिए होल्ड करें, होल्ड इज अवर बोल्ड बोल्ड कॉल। बिल्कुल बिल्कुल, पैसा सिर्फ और सिर्फ होल्ड करने से बनेगा, पैसा सिर्फ धैर्य के साथ बैठने से बनेगा, पैसा सिर्फ पेशेंस से बनेगा, पैसा सिर्फ कुछ नहीं करने से बनेगा। मतलब कुछ नहीं मतलब एक बार लेने के बाद, ऐसा नहीं बोला मेरे को तो कुछ नहीं करना, लूंगा भी नहीं तो बनेगा कैसा। एक बार शेयर लेके शांति से बैठिए, अच्छी कॉल बाय एंड होल्ड, होल्ड इज अ बोल्ड कॉल। जो हमारे बंसल जी बोलते बाय टाइट सिट टाइट, वैसे लोग बाय राइट सिट टाइट होता है, बंसल जी का हम सब बंसल जी कितनी इंग्लिश हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, बाय टाइट सिट टाइट दोनों में टाइट ही बोलते हैं। आप समझते भी होंगे टाइट शब्द को क्यों ज़्यादा याद आता है, यू नो आई मीन। तो लेकिन बोलते कुणाल जी यही डायलॉग बोलते हैं ना बंसल जी? बिल्कुल अनिल जी यही बोलते हैं, और अनिल जी अब तो मुझे भी ऐसे ही लगने लगा है कि असली वर्ड्स यही हैं अनिल जी, बाय टाइट सिट टाइट। इतनी बार बोल चुके हैं कि मैं भी यही बोलता हूं अनिल जी आजकल। नहीं है तो वो मोतीलाल जी ने शुरू किया था, बधाई हो। लेकिन बधाई, मैं तो सुमित जी को ट्रीट देना चाहता था, सुमित जी ने कल पे डाल दिया। सुमित जी अब क्या करूं मैं आपका, आज ही आ गया 800। अनिल जी देखिए मोमेंट इतना फास्ट था, आना ही था, मैंने भी जो ऑप्शन दिया था उसमें बहुत सुपर और क्लास मूव देखने को मिला है, तो बधाई हो पहले तो लोगों को जिन्होंने पैसा बनाया उन्होंने। और अभी तो इसके अंदर 2008 के हाई ब्रेक हो रहे हैं, यानी स्टॉक ऑलमोस्ट 15 साल का हाई ब्रेक कर रहा है, तो आप जो बोल रहे हो 4 डिजिट वो ज्यादा दूर नहीं है, दिल्ली ज्यादा दूर नहीं है। कि दिल्ली नजदीक आ गई, आप नजदीक चले गए। अनिल जी मैंने डायलॉग को थोड़ा उल्टा किया है। बहुत ही बढ़िया, ये है आपके लिए। और एक बार बधाई हिमांशु जी को भी, कल क्लोजिंग शो में हिमांशु जी की तरफ से बीटीएसटी वाला ये कॉल था। बिल्कुल डीएलएफ हिमांशु जी, आई एम श्योर टारगेट तो आ गए होंगे अब या नजदीक है? अनिल जी नजदीक है टारगेट, और अनिल जी देखिए इस गाड़ी में तो हम काफी समय से साथ ही हैं अनिल जी, 450 के लेवल से लगातार इसमें खरीदारी की राय देते आए हैं आप और हम मिलकर, तो अनिल जी अच्छा लगता है डेफिनेटली, कन्विक्शन के साथ होल्ड करें, अच्छे आइडियाज मल्टी बैगर्स बनते हैं, तो बीटीएसटी कॉल में तो डेफिनेटली टारगेट्स क्लोज है, लेकिन मैं आपकी जो अगली बड़ी कॉल है 1000 रुपए की उसमें भी आपके साथ। अरे वाह क्या ये हुई ना बात, इसको कहते हैं हम साथ साथ हैं। अगर ऐसे साथ ना हो तो फिर लगे हम 7-8 हैं। फिर खाली नंबर रह जाता है 7-8 है, लेकिन ऐसे जब दिल से दिल मिलते तो हम साथ 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 ये फर्क है, इतने छोटा सा फर्क है। जी कुणाल जी,
अनिल जी साथ साथ मैं भी अनिल जी मैं पिछले 7 साल से शेयर धारक हूँ बीएलएफ का, तो अनिल जी मैं भी बधाई का पात्र हूँ, कुछ बधाई बची हो तो अनिल जी मुझे भी दे दीजिए। अरे पोर्टफोलियो स्टॉक हमारी तो सारी खुशी कम हो गई हम तो खाली रिकमेंड करके बातें कर रहे हैं, असली पैसा तो यही कमा रहे हैं कुणाल जी का कितना दुख हुआ क्या बताएं आशीष जी हम तो खाली ऐसे ही खुश हो रहे थे, पेपर मजे तो साले अकेले ले रहे हमारे कुणाल जी नहीं बट अनिल जी देखिए ये डीएलएफ जो स्टॉक है ये तो कुणाल जी का मतलब वन ऑफ द रेयर डिस्क्लेमर्स है जो मैक्सिमम टाइम उन्होंने बोला है टीवी पर, तो ये तो पूरे देश को पता सर डीएलएफ का सबसे बड़ा उनका वन ऑफ द मतलब अच्छा चंक है उनके पास, तो बार बार इसका डिस्क्लेमर देते हैं और रहेंगे डीएलएफ तो पता होना अलग बात है, देखो पता अपने को पता अपना साथ वाला दोस्त इंटेलिजेंट है टॉपर है ना, क्लास भी टॉप करेगा स्कूल भी टॉप करेगा हो सकता है यूनिवर्सिटी करे, लेकिन टॉप करता है अपने जब थर्ड क्लास वाले मार्क्स आते हैं तो दुख तो होता ही है ना तो ऐसा थोड़ी कि पैसे ने बोला है, लेकिन 800 का तो भी दुख है, 1000 का तो थोड़ा ज्यादा होगा हमारा दुख, दुख कम तो नहीं होगा ना तो चलिए कुणाल जी आपको बधाई, अच्छा हम चाहते हैं जितना जल्दी आपका बढ़े, जब मुंबई आए तब आप डीएलएफ के उपलक्ष्य में एक पार्टी रख ले जी कुणाल जी। नहीं अनिल जी देखिए डीएलएफ के उपलक्ष्य में जो पार्टी होगी वो अनिल जी डीएलएफ का जो पूरा किला बना हुआ है गुड़गांव में अनिल जी असली जो डीएलएफ का सेंटर है अनिल जी वहीं पर होगी, तो जब आप दिल्ली आएंगे अनिल जी तो आशु जी आपको एक पार्टी देने वाले हैं क्योंकि गुड़गांव से उनका विशेष लगाव है, तो आप आएंगे तो पार्टी देंगे और अनिल जी वहीं पर पार्टी होगी अवश्य बहुत ही बढ़िया। चलिए आइए बढ़ते आगे और आशु जी के बाद आशीष जी हमारे साथ तैयार है बैंक से बेनिफिट। और ये महीना तो मानना पड़ेगा आज, उससे पहले वाले भी महीने पहले वाले भी क्या था सितंबर से कंटिन्यूस परफॉर्मेंस रहती तो याद रहता, नहीं तो फिर हम बीच बीच में भूल जाते हैं इस महीने की तो हमें पूरी याद रहेगी। बहुत गजब के एक्शन में आशीष है, चाहे वो ब्रोकरेज रिपोर्ट के लिहाज से हो चाहे फिर आपके बैंक से बेनिफिट, आज भी बदलाव करेंगे 13-14 में तो कोई ना कोई तो होता ही होगा सर, 3 अंदर 3 बाहर गिनती उतनी रहेगी। माय गॉड सो वोलेटाइल। हाँ तो जो बाहर निकल रहे पहले इनका नाम बता देता हूँ, डेल्टा कॉप 79% हो गई है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, बलरामपुर चीनी 80% से थोड़ा सा नीचे है 79.93% प्रिसाइजली आंकड़ा आपको बता रहा हूँ, और जीएनएफसी यहाँ पर भी उम्मीद है क्योंकि समय अच्छा खासा हमारे पास बचा हुआ है तो पोजीशन यहाँ पर अभी फिलहाल 80% है, तो ये 3 स्टॉक हैं जीएनएफसी बलरामपुर चीनी और डेल्टा कॉप जो बैन से बाहर आ सकते हैं। अब लिस्ट रोज लगातार लंबी हो रही है तो इन तीनों को रिप्लेस करने के लिए 3 स्टॉक एंट्री भी करेंगे, जी एंटरटेनमेंट री एंट्री करेगा 106% मार्केट वाइड पोजिशन लिमिट के साथ, PVR ये थोड़ा सा शॉकर है यहाँ पर 98.5% है प्रिसाइजली, कल के सत्र में भी देखे तो पोजीशन 91% के आसपास थी, तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि ये भी स्टॉक आपको बैन में देखे, और आज बड़ा मूवर ब्रोकरेज हाउस की तरफ से जो रिपोर्ट भी आई है इंडस टावर पे इसके बाद देखें तो पोजीशन यहाँ पर भी बढ़ी है, 95% के आंकड़े को क्रॉस कर दिया है, 97% हो गई है इंडस टावर पे। एक और बार रिपीट कर देता हूँ, इंडस टावर PVR आइनॉक्स और जी एंटरटेनमेंट ये 3 स्टॉक आपको बैन में एंट्री करते हुए दिखेंगे, बाहर निकलेगा डेल्टा कॉप बलरामपुर चीनी और जीएनएफसी। डेल्टा बलरामपुर और जीएनएफसी ये 3 निकलेंगे बाहर। ओके 80 के आसपास जीएनएफसी 80.5 हो गया, 80.5 है ऑलमोस्ट डन है, ऑलमोस्ट हो ही जाएगा नए आने की तैयारी में जी वापस आ जाएगा एक दिन घूमने के बाद, आज ही बाहर आया था आज वापस अंदर। PVR 98 इंडस टावर 95 के ऊपर आता है ना, 95 के बॉर्डर पे है लेकिन चांस है पूरे के आ ही जाए। डन ठीक है परफेक्ट, बहुत बदलाव बहुत है, रोज कुछ ना कुछ एक्टिविटी आपको यहाँ पर अच्छी खासी बनती हुई दिख रही है, ये है बैंक बेनिफिट की लिस्ट आपके लिए। एक दो और स्टॉक्स पर रखिएगा नजर, LIC हाउसिंग अब थोड़ा एक्टिव हो रहा है यहाँ पर आपको मूव इंटरेस्टिंग बन रही है, और अदानी एंटरप्राइजेस सुबह भी हम इसकी बात कर रहे थे एक और अच्छा एक्शन इस काउंटर पर आ रहा है 3350 3180 का दूसरा टारगेट है 3090 के टारगेट के ऊपर है 3180 दूसरा टारगेट है, आज 3130 तक का हाई बनाया है दीप फ्यूचर्स में, फ्यूचर्स लेके आइए और वो 3180 का टारगेट आपके लिए हफ्ते इस हफ्ते के लिहाज से है, और अगला बड़ा टारगेट आपका 3350 का होगा कुछ हफ्तों के लिहाज से महीनों भर के लिहाज से, ये आपके लिए अदानी एंटरप्राइजेज अदानी पोर्ट दोनों ही दिख रहे हैं बेहद मजबूत इस समय दिख रहे हैं आपको।
चलिए ये हैं आपके लिए स्टॉक्स जहां पर एक्शन बढ़िया बना हुआ है, बट एक दो और स्टॉक्स हैं जहां पर आज आपको कमजोरी दिखी है, एक बार वहां पर अपडेट ले लेते हैं। गोदरेज कंज्यूमर आज फिर से फिसला, जब से इसका अपडेट आया है स्टॉक में आपको लगातार कमजोरी दिख रही है। एक बार सनी साहब से पूछते हैं जरा, क्या अब तक समझ में आ रहा है FMCG अपडेट लेकर? सर बाजार का भरोसा नहीं है, स्पेशली रूरल ग्रोथ के कंसर्न्स हैं और FMCG भी दबाव ही दिख रहा है, आज भी कुछ ज़्यादा खास परफॉर्मेंस नहीं है सेक्टर की। या डेफिनेटली दीपांशु, कहीं ना कहीं जिस तरह से जो अपडेट आ रहा है उसमें एक बात तो बहुत क्लियर है कि जो प्राइस डिफ्लेशन है उसके चलते जो सेल ग्रोथ है वो कोई ज्यादा नहीं रहेगी, मे बी लो डबल डिजिट या हाई सिंगल डिजिट काइंड ऑफ ग्रोथ रहेगी। और एट द सेम टाइम वॉल्यूम की जो बात करते हैं तो रूरल मार्केट अब अभी भी प्रेशर में है, हालांकि रिकवरी दिख रही है बट इतनी अच्छी रिकवरी नहीं है। अर्बन मार्केट आर डूइंग वेल। और एट द सेम टाइम अगर हम वैल्यूएशन की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि जब एक लो ग्रोथ होती है, लो डबल डिजिट, और जब आप 30-40x, 50x प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे चल रहे हो तो वहां से कुछ बहुत ज्यादा अपसाइड कोई स्टॉक में दिखता नहीं है। तो मे बी ये टाइम वाइज करेक्शन शायद अब यहाँ कंटिन्यू रहेगा FMCG पैक में। हालांकि जो सर्टन कंपनीज है जो रिलेटिवली फास्टर रेट पे ग्रो हो रही है, जैसे टाटा कंज्यूमर, जैसे जहाँ पर इनऑर्गेनिक ग्रोथ की जो स्ट्रेटेजी है वो बखूबी कंपनी सक्सेसफुली चला रही है, वहाँ थोड़े बहुत पैसे बनाने के मौके रह सकते हैं। बट अगेन पूरा FMCG पैक जो है कंज्यूमर स्टेपल स्पेशली मुझे लगता है कि काइंड ऑफ कंसोलिडेशन मोड में ही रहेगा और ये क्वार्टर में नतीजे कुछ इतने खास नहीं रहेंगे। सर्टन कंपनी लाइक पतंजलि, जिस तरह से मैं अदानी विल्मर के नंबर देख रहा था, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एडिबल ऑयल में जो एक प्रेशर था इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग एंड एवरीथिंग वो पूरा कहीं ना कहीं खत्म हुआ है और एक पतंजलि इसका एक बेनिफिशियरी हो सकता है अगले 3-4 क्वार्टर। पतंजलि पर रखिए नजर। और अनिल जी की तरफ से स्टॉक ऑफ द ईयर में भी ये काउंटर आया है, रिकमेंडेशन लिस्ट में है, 1950, 2200 और 2500 तक के बड़े टारगेट्स के लिए। कल बड़ी रैली थी पतंजलि में, आज थोड़ा नर्म दिख रहा है, बट एसेंशियली रिकमेंडेड प्राइस था 1595 का, वहां से हम देख रहे हैं आज भी थोड़ा अच्छे गेंस ही दिखा रहा है 1665 के लेवल्स के आसपास। RVNL यहाँ पर अच्छी मूव आई है, सुमित जी के ओपनिंग पर कॉल भी थी, 198 और 201 के टारगेट दिए थे, सुमित जी बधाई, 198 का पहला टारगेट हिट सर RVNL में। बिल्कुल दीपांशु, बहुत बढ़िया मूव देखने को मिला और ओपनिंग में सही स्टॉक पकड़ में आ गया। आधा एक घंटे के अंदर स्टॉक ने ऑलमोस्ट 6-7% तक का मूव दिखा दिया है, तो एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ का देखने को मिला है। 199 का भी जस्ट हाई लगा है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं। 200 रुपए का लेवल क्रॉस करने पे इसमें मोमेंटम और देखने को मिलेगा और पूरा का पूरा सेक्टर मजबूत दिख रहा है। मेरे को लग रहा है कि अभी यहां से और ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। ये आपके RVNL 7% ऊपर आया, 193 के लेवल्स के आसपास सुमित जी की तरफ से रिकमेंडेशन आई थी, 198 का पहला टारगेट हिट, 201 का दूसरा टारगेट है, इसके लिए इंतजार करिए। इस बीच SJVN एक और स्टॉक जो सुमित जी के रिडार पर रहता है, इसमें आप परेशानी देख रहे हैं, 2.5% का कट आ रहा है, ANI के हवाले से खबर आ रही है और अभी खबर आई है, लगभग 191 करोड़ का कुछ मामला सामने आया है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स का। CBI ने कंपनी के 3 अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया है, ये आपके लिए अभी खबर आ रही है, इसलिए स्टॉक भी फिसलते हुए दिख रहा है, 3.75% नीचे है। 191 करोड़ के नुकसान के मामले का केस दर्ज किया गया है SJVN में, ANI के हवाले से इस समय ये खबर आती हुई दिख रही है और खबर आने के बाद स्टॉक पर भी आपको एक रिएक्शन दिख रहा है। कुछ प्राइवेट कंपनीज के लोगों के भी नाम शामिल हैं और समझ में आ रहा है कि SJVN के भी कुछ लोगों के नाम शामिल हैं, इसलिए स्टॉक में परेशानी बनी हुई है। SJVN इस पर रखें आप नज़र। आइए बढ़ते आगे, LIC सुबह से थोड़ा बजेंगे, रिसेंटली थोड़ा एक्शन LIC में आया भी है, वापस अपने लिस्टिंग डे प्राइस के आसपास आने की कोशिश कर रहा है ये काउंटर और कुछ खबरें भी हैं LIC से मिली हुई। आइए एक बार कुशल से जानते हैं क्या चल रहा है LIC में, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, कुशल बताइए क्या चल रहा है यहाँ पर। बिल्कुल, तो LIC को लेकर अब इंटरेस्टिंग अपडेट आते हुए दिख रहे हैं कि इनके जो मार्केट शेयर है उसमें अब हमें रिकवरी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट FY24 का अगर आप अभी तक पीरियड देखें, अप्रैल से दिसंबर तक का, उसके बीच मार्केट शेयर कंपनी का करीबन 3.7% तक गेन होता हुआ नजर आया है। दिसंबर में करीबन 12 बेसिस पॉइंट्स की यहाँ पर बढ़त होती हुई दिखी थी। इनफैक्ट FY24 में आप देखें तो LIC और SBI के अलावा जितने भी तमाम अन्य लाइफ इंश्योरेंस कंपनियाँ हैं उनके मार्केट शेयर में आपको गिरावट होती हुई नजर आई है।
और दिसंबर में LIC की जो प्रीमियम है उसमें लगभग 94% की बढ़त भी हमें देखने को मिल रही है। इनफैक्ट इनका जो ग्रुप बिजनेस है जिसमें काफ़ी सारे लोग एक साथ कॉन्ट्रैक्ट में कवर होते हैं, उसके चलते जो प्रीमियम है उसमें बढ़ोतरी होती हुई दिखी है और दिसंबर 2022 का लो बेस का भी इनको एक बड़ा फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। और इसी वजह से जो ब्रोकरेज हाउसेज है गोल्डमैन सैक्स, उन्होंने न्यूट्रल की रेटिंग तो बरकरार रखी है पर लक्ष्य इन्होंने सिग्निफिकेंटली बढ़ा दिए हैं। 660 रुपये का टारगेट पहले था, अब 750 रुपये के टारगेट दे रहे हैं ये, और हो सकता है कि आगे चलकर ये और भी टारगेट रिवाइज करते हुए भी नजर आए क्योंकि मौजूदा भाव तो 844 रुपये का है। तो ओवरऑल जिस तरह से यहाँ पर जो मार्केट शेयर वापस से ये रीगेन कर रहे हैं वो एक अच्छा इंडिकेशन बन रहा है इनके स्टॉक प्राइस में बढ़त का। तो ये है आपके लिए LIC मार्केट शेयर गेन्स आए हैं, प्रीमियम में ग्रोथ भी दिख रही है, दोनों अच्छे अपडेट रिसेंटली LIC की तरफ से आए हैं। देखते हैं काउंटर पर कैसी मूव दिखती है, फिलहाल थोड़ा एक्शन में अच्छा बना हुआ है। आइए 3:20 लेते हैं आज की अनिल जी की फाइनल मार्केट स्ट्रेटजी। अच्छा एक्शन है सर, डाउ फ्यूचर्स पूरी रिकवरी करके फ्लैट हो गया है, नैसडैक फ्यूचर्स 60 अंक ऊपर है, और बाय द वे पिछले 3 दिनों से नैसडैक आपको पॉजिटिव एक्शन में दिख रहा था, उसके बाद थोड़ा उतार चढ़ाव यहाँ पर हुआ है, बट एसेंशली थोड़ी रिकवरी के आसार वहाँ पर आपको आते हुए दिखे हैं रिसेंटली, एंड ऑफकोर्स पिछला साल तो अच्छा ही रहा था। तो थोड़ा एक्शन नैसडैक में बन रहा है, डाउ फ्यूचर्स फ्लैट है, हमारे बाजार डेज हाई पर है, क्या करके जाना है सर? सेम जो कल किया सर, जो परसों किया था, हल्के कुछ भी नहीं, कुछ नहीं करना है ना, नया करना ही नहीं है, नहीं करना है। देखो ऐसा नहीं होता कि खाली खराब मार्केट है तभी बोले नया नहीं करना, मार्केट खराब हो या अच्छा हो आप नई पोजीशन नेक्स्ट बनाइए, रोज दिन में आपको मौका मिल रहा है, ऑन एट रखना है, करेक्ट करेक्ट। आपको आज भी 21450 से 21500 में मौका दिया लेने का, कल 21700 पे बेचने का मौका दिया, तो सिंपल सी चीज है, एक तरफ का ट्रेड तो आपको रोज मिल ही रहा है ना, तो अगर आप डे ट्रेडर्स हैं तो आपको कोई ओवरनाइट पोजीशन रखने की जरूरत ही नहीं, पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, पोजीशन है आपकी लॉन्ग की तो होल्ड करिए, शॉर्ट की है तो भी होल्ड करिए, क्योंकि नीचे में 21450 और 21 ऊपर में 21800-750 वहाँ जाके बार बार अटकते हो, 150 नीचे है 150 ऊपर है, तो ठीक है आराम से है उसको होल्ड करिए, आप दोनों तरफ बैलेंस बीचों बीच में बंद हो रहे हैं तो मेरे ख्याल से होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बायस पॉजिटिव साइड पर ज़्यादा है, 60-40 का रेशियो है, अगर नीचे खुला कल और खरीद लीजिए, ऊपर खुल जाए 700-800 के रेंज में आए वहाँ प्रॉफिट बुक करके वापस इंतजार करें, कल वीकली एक्सपायरी भी है बैंक निफ्टी की तो थोड़ा एक्शन वहाँ भी दिखेगा। अब आइए सॉरी निफ्टी की, बैंक निफ्टी की तो आज हो रही है, रहा सवाल बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी आज एक्सपायरी होने के बाद थोड़ा हल्का हो ही जाएगा, सो बैंक निफ्टी पे कल सपोर्ट आपको थोड़ा निफ्टी को मिलेगा, कल प्रेशर कम होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो आज आपको जाना होगा, सुबह मैं आपको एक ही बात कर रहा था, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बैंक निफ्टी खाली हरे निशान में बंद हो राइट थोड़ा ही बहुत आज नेगेटिव क्लोजिंग नहीं चाहिए बस, और नेगेटिव क्या ये तो बढ़िया दे दी, 125 पॉइंट ऊपर दिख रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नो डाउट 47500 के नीचे बहुत अच्छा तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन ख़राब तो और होने में हो ही सकते थे ना, नहीं हुए, सो ऑल इज़ फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, पोजिशन बरकरार रखे, शॉर्ट है बैंक निफ्टी पर 47500 का कॉल ले लीजिए, लॉन्ग है 47200 का पुट ले लीजिए, और अपनी पोजिशन को बनाए रखिए, सिंपल, ज़्यादा एडवेंचर करने की जरूरत ना, नया रोज देख दे रहा है ना मौका, जब अगर आपको लगता हो कि एक तरफा ट्रेंड है, गैप से ऊपर या नीचे खुलता है तब तो एक अलग बात है, जब ऐसा कुछ है ही नहीं तो आपको क्यों करना है, क्यों करना है, सही बात है, कल जहाँ खुलेगा वहाँ से आप सपोर्ट पे मौका दे देगा, रुकावट पे बेचने का मौका दे देगा, तब करिए आराम से, ठीक है। चलिए ये आपके लिए इस समय बाजार पर व्यू अनिल जी की तरफ से, कुछ ज़्यादा मत करिए, कल का कल नया देखेंगे। इस बीच कुछ स्टॉक्स पर एक्शन बन रहा है, जैसे जैसे हम वीकली एक्सपायरी बैंक निफ्टी की तरफ जा रहे हैं, RBL बैंक इस पर एक फ्रेश मूव अभी अभी आपको आती हुई दिख रही है, थोड़ा एक्टिविटी RBL बैंक दिखा रहा है, एक स्पाइक भी इस चार्ट पर अभी अभी आया है, सचिन जी जरा देखें सर RBL बैंक एक्टिव हो रहा है अभी अभी सर, दीपांशु काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में रहा है काउंटर, इनफैक्ट अभी भी डेटा काफी कॉन्फिडेंट है, 260 के आसपास जो इसने एक फ्लोर बनाया है, मुझे लग रहा है उस फ्लोर को नज़र में रखते हुए यहाँ पर यू नो मोमेंटम अभी भी चेस करना ही चाहिए, इमीडिएट बेसिस पे एक हर्डल है 300 का जो मुझे लग रहा है जल्दी एक पर्टिकुलर काउंटर पार कर देगा, एंड पोजिशनली लगभग अराउंड 335 से लेके 355 तक की अपसाइड इसमें अनलॉक होनी चाहिए, ट्रेडिंग के लिहाज से 295 के टारगेट के लिए यहाँ पर मोमेंट्री लॉन्ग चेस किए जा सकते हैं 281 के स्टॉप लॉस के साथ।
तो आरबीएल बैंक पर रखिए नजर। हीरो मोटोकॉप, इस पर भी आपको अभी अभी एक्शन बनते हुए दिख रहा है, एक स्पाइक आ रहा है हीरो मोटो पर भी, 1.25% फ्यूचर्स में है और अभी अभी एक मूव इस पर बनती हुई दिखी भी है। हिमांशु जी, हीरो मोटोकॉप जरा इसका भी चार्ट देखें, एक्टिव हो रहा है सर क्लोजिंग के पहले? पिछले काफी दिनों से ये स्टॉक काफी एक्टिव रहा है इनफैक्ट, और मुझे लगता है कि अच्छी रिलेटिव स्ट्रेंथ स्टॉक में एक बड़ी अंडर परफॉर्मेंस के बाद बनती हुई नजर आई है। मुझे लगता है ये स्टॉक भी कल एक नया हाई बनाने के लिए तैयार है, 4,200-4,225 के ट्रेड के लिए बीटीएसटी ट्रेड कैरी किया जा सकता है। स्टॉप लॉस के तौर पर 4,115 का स्टॉप लॉस रहेगा, और अगर सुबह मामूली कोई गिरावट मिलती है तो स्टॉक में पोजीशन बनाई जा सकती है, ऐड की जा सकती है। 4,220-4,225 तक का बीटीएसटी टारगेट यहां पर कल देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए हीरो मोटोकॉप, जिस पर अभी अभी एक फ्रेश बढ़िया मूव बनती हुई दिखी है। जीएनएफसी, ये भी एक और काउंटर है जहां पर आपको एक अच्छी मूव आ रही है, इसको भी अपने रेडार पर रखिए। आइए, वागले साहब की एक कॉल भी है तैयार, बिगुल वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, आप ही का स्टॉक है जो आपने जिक्र किया, हीरो मोटोकॉर्प में ब्रेकआउट है। मुझे लगता है ये कल 4,230 की तरफ जाना चाहिए, अभी 4,170.71 है, आपको 31 रुपए नीचे स्टॉप लॉस लेके चलना है 4,140 का, और 4,230-240 ये बीटीएसटी करके चलना है। 4,230-4,240 के टारगेट के लिए खरीदारी करें, ये है आपके लिए हीरो मोटोकॉर्प। BTS डबल टी का बिगुल सचिन जी के लिए। बताएं सर। दीपांशु, यहाँ पर शॉर्ट स्क्वीज का ये एक्शन है, अदानी एंटरप्राइजेस में जो प्राइस मोमेंटम अभी मिला है मुझे लग रहा है वो एक्सटेंड होना चाहिए अगले कुछ दिनों में, एंड लगभग 3280 के आसपास के प्राइस एक्शन यहाँ पर नजर आ सकती है। जो इसने आज फ्लोर बनाई है 3050 के आसपास के, आई थिंक ये फ्लोर मेंटेन होगी, एंड ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लगा है 3080 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस चेस किया जा सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए अदानी एंटरप्राइजेस, जिस पर अभी अनिल जी भी बात कर रहे थे, कल रेडार पर भी आया था और सुबह से ये काउंटर भी थोड़ा मूव कर ही रहा है। तो जाते जाते कुछ और स्टॉक्स भी हैं जहां पर आपको एक बढ़िया मूव आती हुई दिखी। IEX, एक स्पाइक इसके काउंटर में भी आया। सुमित जी, IEX इस पर भी नजर डाली, यहां पर भी एक एक्शन बन रहा है सर। देखो, मोमेंटम तो बन रहा है लेकिन इसके अंदर ऊपर में लेवल टूटना जरूरी है। 162.70-163 के पास ट्रेड कर रहा है, 165.66 ये ऊपर में रेजिस्टेंस है। एक बार 165-166 का लेवल ब्रेक होगा तो फिर इसमें मोमेंटम बनेगा और 172-175 के लेवल आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं, तो पोजीशंस होल्ड करके चल सकते हैं, फ्रेश खरीदारी लेवल्स टूटने के बाद करें। सिप्ला, हिमांशु जी, सुबह आपकी कॉल थी ट्रेडिंग के लिए, 1325-1340 के टारगेट दिए थे, टारगेट हिट भी हो गया इस पर सर, और 1330 के आसपास क्लोजिंग के लिए भी तैयार हो रहा है, 1335 का हाई है इनफैक्ट फ्यूचर्स में, तो वहीं पर ट्रेड कर रहा है। बताएं सर, क्या करके जाना है इस कॉल में? डीप पार्ट प्रॉफिट बुक किया जा सकता है, एक वन वे तेजी देखने को मिली है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में और भी स्ट्रेंथ स्टॉक में बनेगी, बनते हुए नजर आएगी, जिस तरह का आज रिकॉर्ड हाई क्लोज देखने को यह स्टॉक में मिल रहा है। फ्रेश खरीदारी के लिए मुझे लगता है कोई डिप वापस से 1300-1310 के जी अराउंड मिलता है तो वहां पर वापस रिस्क रिवॉर्ड अट्रैक्टिव बनता है, बट फिलहाल मुझे लगता है बीटीएसटी ट्रेड भी कैरी किया जा सकता है, एक अच्छी तेजी कल के लिए भी एक्सटेंड होती हुई नजर आ सकती है। ओके, तो यह है आपके लिए सिप्ला, यहां पर भी एक इंटरेस्टिंग ट्रेड बन रहा है। क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन रहा है आज। सुबह बाजार में नरमी जरूर बनी हुई थी, थोड़ा वॉलेटाइल मूव्स आए भी, बट उसके बाद जो रिकवरी आई है वो काफी मजबूत है। बैंक लेग रिकवरी थी, बट उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी योगदान रहा और साथ ही योगदान आपने आईटी की तरफ से भी आते हुए देखा। टॉप गेनर दो, सिप्ला है 3% ऊपर, अदानी एंटरप्राइजेस 3% ऊपर, रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑलमोस्ट 3% ऊपर है, निफ्टी के जो 80 पॉइंट की मूव है उसका बड़ा बड़ा योगदान एक रिलायंस इंडस्ट्रीज से ही आया है। अदानी पोर्ट्स और अदानी एंटरप्राइज दोनों ही एक्टिव थे। हीरो मोटोकॉर्प में एक अच्छी रिकवरी आई है, साथ ही टाटा मोटर्स में आपने खरीदारी देखी है, 800 के ऊपर ट्रेड कर रहा है ये। HCL टेक में आपने एक्शन देखा है, इसके साथ विप्रो भी पॉजिटिव मोमेंटम में आया, LTM एंट्री और TCS में भी आपने खरीदारी बनती हुई देखी है। 1:1 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो अभी भी निफ्टी पर वीकनेस थी, बट दिग्गज जो स्टॉक्स हैं वहां पर पॉजिटिविटी से आप देख रहे हैं, निफ्टी 80 पॉइंट ऊपर बंद हो रहा है। नॉनदलेस डिवीज में कमजोरी थी, NTPC फिसला है, BPCL, पावर ग्रिड, अल्ट्राटेक, ONGC, आईशर,
बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, साथ ही बजाज ऑटो, SBI, ब्रिटानिया, मारुति, L&T, कोटक, HUL और ITC, यहां पर आपने नरमी देखी है। वायदा कारोबार की तरफ आइए, टॉप गेनर था डेल्टा कॉप, किसी को लगा नहीं था आज सुबह ऐसा होगा। इनफैक्ट सुबह जब ट्रेड खुला था 5-7% नीचे था डेल्टा कॉप, वहां से अब 3-3.5% ऊपर बंद हो रहा है। इसलिए दीप आज आप देखिए दो स्टॉक जिसमें बहुत ऑब्वियस खराब खबर थी, एक डेल्टा कॉप नतीजे और दूसरा वेदांता यहां डाउनग्रेड, और इसलिए आज हमने दोनों पर शॉर्ट कॉल देने से परहेज करेंगे। वो बड़ा इजी था लेकिन लग रहा था कहीं कहीं ये पिछले सोर्स से रिकवर कर जाएंगे, इसलिए आज हमने रिजल्ट रिव्यू में भी डेल्टा में बेचने की राय नहीं दी थी, बैन में था और शॉर्ट कॉल वाले की आज देखिए यही होता हुआ दिखा। एग्जैक्टली बहुत ही एक्शन। ओके, डेल्टा में अच्छी मूव है बिरला सॉफ्ट, IRCTC, इंटरग्लोब, क्रॉम्पटन कंज्यूमर, BHEL, यूनाइटेड स्पिरिट्स, ट्रेंट, टाटा पावर, मदरसन, वोल्टास, ये सारे काउंटर्स आपको बढ़िया तेजी दिखाते हुए दिख रहे थे। मनापुरम जहां पर इनकी सब्सिडरी आशीर्वाद के IPO पर थोड़ी देरी हो सकती है कमजोरी थी। मेट्रोपोलिस, IGL ये भी शॉर्ट दिया था सुबह 3% का कट, NMDC, बलरामपुर, साथ ही कैनफिन होम्स, गोदरेज कंज्यूमर, सिटी यूनियन बैंक, महानगर गैस, पावर ग्रिड, रैमको, मैक्स फाइनेंशियल और बंधन बैंक, यहां पर आपने कमजोरी देखी है। कैश मार्केट की तरफ आइए, कई सारे स्टॉक्स थे जहां पर आपको जबरदस्त उछाल आज के ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिखा है। सर्किट लगाया आपके लिए कोचिन शिपयार्ड पर कॉर्पोरेट एक्शन के बाद, साथ ही तानला प्लेटफॉर्म्स 10% भागा है, NCC में अच्छी तेजी आई है, RVNL, इरकॉन दोनों रेलवे स्टॉक्स में आपने बढ़िया एक्शन देखा है, IRFC भी आज 3% ऊपर था, PNC इंफ्रा, NLC इंडिया, अवंती फीड्स, मैनकाइंड फार्मा, सफायर फूड्स और ग्रेफाइट, यहां पर भी बढ़िया तेजी है। अनिल जी बहुत ही बढ़िया रिवर्सल आज आया है, डेज हाई पर निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स बंद हो रहे हैं, मिड कैप आपका 1.5% ऊपर है, स्मॉल कैप ऑलमोस्ट हल्की गिरावट के साथ बंद हो रहा है, बट लंबे समय बाद डेज हाई पर अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग दिख रही है और स्पेशली दो ढाई बजे के बाद पॉजिटिविटी आई है वो काफी मजबूत रही है आज बाजार की। शानदार, जानदार, बेहतरीन, दमदार, ये है आज के लिए ढेर सारे एक्शन के पूरे आपके लिए आता है। तो बहुत बढ़िया, बिल्कुल आज खुशी इस बात की जैसा उम्मीद की थी, बाजार का पूरा कामकाज बिल्कुल वैसा ही होता दिखा दी जैसा उम्मीद थी कि निचले स्तर से 21,450-500 से सपोर्ट लेगा, 600-700 की रेंज में रुकेगा, वहां पर आकर रुका भी, और बैंक निफ्टी भी 46,947 बहुत मजबूत सपोर्ट जो है एग्जैक्टली वहीं से सपोर्ट लेकर आखिरी एक घंटे में सबसे बढ़िया बात हुई, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर एक शॉर्ट कवरिंग की जो उम्मीद थी उसके मुताबिक बढ़े भी। आइए बढ़ते आगे और आज बाजार बंद होने के बाद के एक्शन पर करते हैं फोकस। खिलाड़ी होना अपने आप में फिटनेस की गारंटी होती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पिछले एक साल के अंदर क्रिकेट के मैदान में आधा दर्जन से अधिक खिलाड़ी हार्ट अटैक के चलते दम तोड़ चुके हैं। भले ये खिलाड़ी स्टेट या नेशनल लेवल के ना हो, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ग्राउंड में हार्ट अटैक आने के कारण क्या हो सकते हैं। शाम 6 बजे इसी पर होगी चर्चा, क्रिकेटर्स के हार्ट अटैक के आने की वजह समझेंगे और साथ ही मैदान में उतरने के पहले खिलाड़ी को किस तरह की सावधानी की है ज़रूरत, इस पर भी होगा विश्लेषण। खेल खेल में हार्ट फेल, ये हमारी आज की खास चर्चा डॉक्टर हरेश मेहता साहब के साथ, डॉक्टर SL रहेजा हॉस्पिटल से, डॉक्टर मनोज कुमार साहब मैक्स हॉस्पिटल से, वैभव डागर साहब स्पोर्ट्स मेडिसिन कंसल्टेंट, इन तीन महानुभावों के साथ होगी आज की खास बातचीत, आपकी खबर आपका फायदा में, खेल खेल में हार्ट फेल। जिंदगी के बड़े लक्ष्यों में बच्चों की पढ़ाई और उनके सुनहरे भविष्य का सपना हर एक माँ बाप का सपना होता है, और आज हम बताएंगे कि बच्चों के लिए किन फंड्स में आप प्लानिंग करके कर सकते हैं निवेश, चिल्ड्रन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या फिर कोई भी अच्छा सा इक्विटी फंड, क्या हो सकते हैं ऑप्शन, क्या होनी चाहिए। 6:30 बजे बच्चों के लक्ष्य का सॉल्यूशन, ये हमारी विशेष चर्चा मणिगुरु में हेमंत रुस्तगी और विकास पुरी साहब के साथ, दोनों खास मेहमान, और 8:00 बजे हमारी प्राइम टाइम बुलेटिन, क्या आप बोतल बंद पानी पीने के शौकीन हैं, यदि हैं तो आपके लिए खबर अच्छी नहीं है, क्योंकि प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस के नाम से जाने वाली जर्नल में एक रिसर्च आई है, इसके मुताबिक बोतल बंद पानी अनुमान से कई सौ गुना ज़्यादा हानिकारक है। 1 लीटर पानी में करीब 2.5 लाख प्लास्टिक के छोटे कण मौजूद होते हैं, हे भगवान, और इनमें से 90% नैनो प्लास्टिक कण जबकि बाकी माइक्रो प्लास्टिक कण हो सकते हैं। आज इंडिया 360 डिग्री की कवर स्टोरी में इसी का होगा विश्लेषण, जानेंगे बोतल बंद पानी क्या वाकई में सेहत के लिए नुकसानदेह है, कैसा पानी पीना चाहिए, और इसी पर आज की हमारी खास पेशकश। सुना तो होगा आपने आपके टूथपेस्ट में, वैसे ही
आपके पानी में प्लास्टिक है, प्लास्टिक है। आज का हमारा टाइटल है आपके पानी में प्लास्टिक है। रात की 8 बजे की कवर स्टोरी यही काम आएगी, और बाकी जो कुछ भी राम मंदिर को लेकर डेवलपमेंट है उस पर तो हमारा विशेष कवरेज चल ही रहा है और आगे और चलेगा भी, मिस मत कीजिएगा। डन, ओके, बढ़ते आगे और आज की फाइनल क्लोजिंग आपके सामने। 73 अंक ऊपर 21,618 निफ्टी, 271 अंक ऊपर सेंसेक्स 71,657, 118 अंक ऊपर बैंक निफ्टी 47,360। समाचार समाप्त हुए। डाउ फ्यूचर्स पूरे 1 पॉइंट ऊपर है, जल्दी से करो नहीं तो फ्लैट हो गया एकदम। जीरो है अभी, जीरो है अभी, अनचेंज मतलब खुला हुआ नहीं, ऐसा नहीं है। एक मिनट रखिए, बदल जाएगा। हाँ ये देखो 3 पॉइंट आ गया। हाँ ये समझ लो हमारा अपडेट नहीं हो रहा, अपडेट हो रहा है भाई। नेस्डेक फ्यूचर 70 पॉइंट ऊपर है, S&P फ्यूचर 8 पॉइंट ऊपर। आपकी विदा लेने का वक्त है कुणाल जी से। बंसल जी ने आप हैप्पी बर्थडे मनाई लिया दोपहर में शीशों में जाए पे, वो तो देना पड़ता है सर। अच्छा भाई आप लोगों को पता है हमारे यहाँ एक सिस्टम है कुणाल जी, हमारे यहाँ भी जिसकी बर्थडे वो उस दिन छुट्टी ले सकता है हमारे HR पॉलिसी में। अरे वाह। हाँ खाली खाली मैं और दीप ही नहीं लेते हैं। ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग लेते भी हैं, बहुत सारे लोग नहीं लेते हैं, लेकिन वो ऑप्शन है, ऑप्शन। हाँ कि अगर आप चाहें, लेकिन क्या है सब इतनी बड़ी टीम के साथ, सब आपके साथियों के साथ बर्थडे मनाने का मौका मिलता है। जी अरे जी, केवल अपने बर्थडे में ही ले सकते हैं, दूसरों के बर्थडे में भी अरे जी ले सकते हैं। भाई साहब यहाँ रोज 4-5 पैदा होते हैं। सुबह HR की लिस्ट आती थी लंबी। आज इनकी, आज इनकी, आज इनकी, है ना। कुणाल जी आप जब बॉस बनेंगे ना, और जब मैं आपके अंडर में काम करूंगा तो मैं ये वाली पॉलिसी लाऊंगा। रोज किसी न किसी की बर्थडे पे, आप तो खुद बंसल जी की बर्थडे पे नहीं ले पा रहे हैं, दूसरों का क्या करेंगे। तो आइए कुणाल जी, आशु सर, वागली साहब, सुमित जी का बहुत बहुत धन्यवाद, हिमांशु जी और सनी अग्रवाल साहब का, और साथ ही सचिदानंद उत्तेकर साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए।